नमस्कार दोस्तों, 100 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है डायबिटीज मेलाइटस। दोस्तों आप सभी को पता है कि डायबिटीज मेलाइटस जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है और कितने सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम्स में इससे रिलेटेड पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते हैं। एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर है दोस्तों ये, इसमें हम इतनी सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं कि एक ऐसे लगने लग जाता है कि जैसे ये एक डिजीज नहीं है, पूरी यूनिटी हो। हम पहले जैसे डायबिटीज मेलाइटस के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा आपको इसकी समरी बता देता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आगे। वैसे सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे भाई डायबिटीज मेलाइटस है क्या, थोड़ा सा इंसुलिन के बारे में जानेंगे, डायबिटीज मेलाइटस का जो क्लासिफिकेशन है दोस्तों वो हम पढ़ेंगे कि भाई कितने भागों में इसको बांटा गया है। फिर इसके बाद में दोस्तों जो डायबिटीज मेलाइटस के जो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड है उसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे कि जो डायबिटीज जो मेलाइटस है उसकी जो इटियोलॉजी है, टाइप फर्स्ट की क्या क्या इटियोलॉजीज हैं, टाइप सेकंड जो है उसकी क्या क्या इटियोलॉजीज हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर दोस्तों इसका जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो भी काफी बड़ा पोर्शन हो जाता है, क्योंकि एक एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को हमें डिटेल में पढ़ना पड़ता है कि होता है तो क्यों होता है, क्योंकि तभी आप लोगों की जो मेमोरी वो लॉन्ग टर्म बन पाती है। अगर आप वैसे रट लेते हो तो आप सबको पता है इसके क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं। फिर दोस्तों इसका जो डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन आता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, कई सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ती है। फास्टिंग जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको पढ़ते हैं, फिर इसके बाद में रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फिर इसके बाद में दोस्तों हमें HbA1c जो है उसको पढ़ना पड़ता है, कुछ सी पेप्टाइड जो चैन टेस्ट है उसको पढ़ना पड़ता है, जो ग्लाइकेटेड एल्ब्यूमिन है या फ्रक्टोज एमीन जो टेस्ट है दोस्तों उसके बारे में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जो डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन है दोस्तों इससे रिलेटेड हम पढ़ते हैं। फिर जैसे डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन होता है फिर हम ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर दोस्तों इसका जो इंसुलिन जो थेरेपी है वो बहुत बड़ी है, फिर उस इंसुलिन थेरेपी के जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी काफी सारा एक लंबा पोर्शन हो जाता है। फिर इसके बाद हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जो एजेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद में दोस्तों डाइट से रिलेटेड मेडिकल न्यूट्रिशनल जो थेरेपी है उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं, एक्सरसाइज के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद में हम जो कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों उनके ऊपर आते हैं, फिर एक्यूट कॉम्प्लिकेशन पढ़ते हैं, फिर क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन पढ़ते हैं। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा पोर्शन हो जाता है, जो इंसुलिन है वो खुद ही कितना बड़ा है, फिर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है वो भी काफी बड़ा पोर्शन है, तो इसलिए एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर हो जाता है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इतना ही क्या रहता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहता है। आपको लगेगा नहीं कि जैसे क्वेश्चन डायबिटीज मेलाइटस डायरेक्ट इंसुलिन से पूछ लिया, तो लेकिन है वो किससे रिलेटेड दोस्तों, डायबिटीज मेलाइटस से रिलेटेड ही है। तो एक लंबा टाइम जरूर लेगा हमारा ये, शायद ये 4 से 5 घंटे आपका कम से कम मिनिमम लेगा, इतना तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ आपको कि 4 से 5 घंटे की क्लास तो कम से कम हमारी होगी। आप मेरे साथ बने रहो, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम इतनी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि आपको खुद को लगेगा कि हाँ आज तक जो मैंने डायबिटीज मेलाइटस में पढ़ा वो कितना कम था और कितनी अच्छी अच्छी जो नॉलेज है दोस्तों वो आपको जानने को मिलेगी। जब आप खुद क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर जाओगे, जब वहां पर आप ये देखोगे कि भाई इंसुलिन है, एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है, किस कैसी इंसुलिन होती है, कितने टाइप की होती है, आपके सामने ड्रग्स आया करेंगे, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जो एजेंट्स हैं वो आया करेंगे दोस्तों, तो आप उनको देख के समझोगे कि हाँ इसके बारे में मैंने पढ़ा हुआ है, कैसे काम करती है, क्या इसका एक्शन है। इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन करने जाओगे, इसके रूट के बारे में जानोगे, पेशेंट्स के पास जाओगे, आप समझोगे कि हाँ इसको कौन से टाइप का डायबिटीज मेलाइटस है, क्यों हुआ है। जब आप आपसे कोई ग्लूकोज का लेवल पूछा करेगा, आप पेशेंट का जब RBS क्या करोगे, शुगर क्या करोगे, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या करोगे दोस्तों, तब आपको लगेगा कि हाँ ये ऐसा एक मतलब एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, ये जो हमारे जो जनरल जो लाइफ है ना उससे भी रिलेटेड होता है, हमारे आसपास कितने सारे जो पेशेंट्स हैं जो हमें डायबिटीज को देखने को मिलते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं, क्यों अपना इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं आपका, हम शुरुआत करते हैं दोस्तों डिसऑर्डर के ऊपर आते हैं, डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज मेलाइटस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है दोस्तों, डायबिटीज और एक है दोस्तों आपका मेलाइटस। तो डायबिटीज जो मेलाइटस जो डिसऑर्डर है दोस्तों, इसके अंदर दो वर्ड हैं, एक डायबिटीज है और एक मेलाइटस है। डायबिटीज जो वर्ड है दोस्तों उसका मतलब होता है पोलीयूरिया। डायबिटीज जो मेलाइटस है दोस्तों उसका वर्ड क्या होता है, पोलीयूरिया होता है, कि मतलब कि कोई भी पर्सन जिसका 3 लीटर पर डे से ज्यादा क्या होता हो, यूरिन पास होता हो, ठीक है, तो उस वर्ड को हमने क्या दे दिया, पोलीयूरिया नाम दे दिया। कई बार इसको केजी के अकॉर्डिंग भी दे देते हैं, तो मोर देन 40 ml पर केजी और पर डे, मतलब कि किसी भी पर्सन का वेट अगर 1 kg है और 40 ml से ज्यादा अगर यूरिन पास कर रहा है एक दिन के अंदर पर केजी के अकॉर्डिंग, मैं आपको बता रहा हूं, तो वो कितना हो जाता है दोस्तों, 40 ml पर केजी पर डे के अकॉर्डिंग, उसे हम किस नाम जानते हैं, पोलीयूरिया के नाम से जानते हैं। तो डायबिटीज जो वर्ड जो है ना उसको समझो आप, वो पोलीयूरिया। आपने एक डिसऑर्डर और देखा होगा दोस्तों, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज जो इंसिपिडस डिसऑर्डर है दोस्तों, उसमें भी आपने क्या देखा होगा कि उसके अंदर भी क्या होता है दोस्तों, पोलीयूरिया होता है, लेकिन वो जो डिसऑर्डर होता है वो किसका होता है दोस्तों, एंटी डायबिटिक जो हार्मोन है जिसे हम वैसोप्रेसिन कहते हैं उससे रिलेटेड होता है वो, ठीक है। तो ये इसलिए डायबिटीज जो वर्ड है उसका मतलब पोलीयूरिया होता है। डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर भी मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, पोलीयूरिया ही होता है, तो ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों मेलाइटस है, मेलाइटस जो वर्ड है दोस्तों इसका मतलब होता है हनी, और हनी का यहां पर क्या मतलब हुआ, मीठा, और मीठा का मतलब यहां पर हुआ शुगर, और शुगर का मतलब यहां पर क्या हुआ दोस्तों, ग्लूकोज। डायरेक्टली बस एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि जो
शुगर जो हम कह रहे हैं डायबिटीज मेलिटस में वो क्या है, तो वो ग्लूकोज है। वो क्या है दोस्तों? ग्लूकोज है। बताने की आपको इतनी जरूरत नहीं है। ये जो वर्ड है, जो डायबिटीज मेलिटस जो वर्ड है दोस्तों, वो थॉमस विलीज ने ये वर्ड दिया है। ये वर्ड किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? थॉमस विलीज के द्वारा ये वर्ड दिया गया है। थॉमस विलीज के द्वारा ये वर्ड कॉइन किया गया है डायबिटीज मेलिटस। अब हम बात करते हैं डायबिटीज मेलिटस के बारे में। डायबिटीज मेलिटस जो है दोस्तों, कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है? तो वो एक ग्लैंड से रिलेटेड है दोस्तों, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? पैनक्रियाज के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा हम पैनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे, तभी तो आपको जो ये जो ऑर्गन है इसके बारे में समझ में आएगा दोस्तों। डायबिटीज मेलिटस के अंदर मेन जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है? कि ग्लूकोज का बढ़ना। ठीक है, बाकी सब डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं। पहली जो प्रॉब्लम होती है दोस्तों वो क्या होती है? ग्लूकोज का बढ़ना। और उसका जो मेन जो रीजन होता है दोस्तों वो होता है इंसुलिन। वो क्या होता है? इंसुलिन। तो इसलिए आपको ये समझना है कि भाई इंसुलिन है तो कौन से ऑर्गन के कारण होती है? तो इंसुलिन जो है दोस्तों, उसका सीक्रेशन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? पैनक्रियाज के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पैनक्रियाज के द्वारा। तो पैनक्रियाज जो है उसके बारे में दोस्तों हमें पढ़ना क्या है? जरूरी है। तो थोड़ा सा जो हमारे लिए जरूरी है वो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पैनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है दोस्तों। डायरेक्टली अगर क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी ग्लैंड मिक्स्ड ग्लैंड होती है, तो उसका आंसर क्या आएगा? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या होती है दोस्तों? मिक्स्ड ग्लैंड होती है। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब क्या हो गया दोस्तों? दोनों इसके अंदर पार्ट होते हैं। एग्जोक्राइन भी होती है ये, और एंडोक्राइन भी होती है। अगर हम बात करें कि मेनली कौन सी होती है, तो मेनली दोस्तों ये कौन सी ग्लैंड होती है? एग्जोक्राइन ग्लैंड होती है। लगभग 98-99% जो पार्ट होता है दोस्तों इसका, वो एग्जोक्राइन होता है। और सिर्फ 1-2% पार्ट ही क्या होता है? एंडोक्राइन होता है। अब इनके बारे में जानते हो कि एग्जोक्राइन और एंडोक्राइन क्या होती है दोस्तों? एग्जोक्राइन का मतलब क्या हो गया दोस्तों? कि जिनके पास खुद की क्या है? डक्ट है। खुद की जिनके पास ट्यूब है, खुद की नली है, खुद की डक्ट है। डायरेक्टली जहां पर जो भी इनका जो प्रोडक्ट है दोस्तों वो देना होगा, जूसेज है, एंजाइम्स है, वो पहुंचाने होंगे, म्यूकस है, मिल्क है, तो डायरेक्टली अपनी एक पाइप के द्वारा डायरेक्टली कहां क्या कर देंगे दोस्तों? सीक्रेट कर देंगे। और एंडोक्राइन क्या होती है दोस्तों? ये वो ग्लैंड होती है जिनके पास खुद की कोई डक्ट नहीं होती है। तो डक्ट नहीं होती है तो क्या काम कहती है? ये भाई ब्लड को कहती है। ब्लड को ये कहती है भाई तू पूरी बॉडी के अंदर जा रहा है, तो एक काम करना, तू हमारा भी सीक्रेशन लेके चला जा। हमारे पास खुद की तो कोई पाइप है नहीं। हमारे पास जो जैसे कि एग्जोक्राइन के पास खुद का पाइप है, वैसा सिस्टम तो हमारे पास है नहीं। तो हम उस आदमी से मिले जो कि पूरी बॉडी के अंदर क्या करता है? घूमता रहता है। वो कौन है दोस्तों? ब्लड है। तो एंडोक्राइन क्या करता है? अपने सारे सीक्रेशंस को किस में डाल देता है दोस्तों? ब्लड के अंदर डाल देता है। तो मेनली जो पैनक्रियाज जो होता है वो कौन सा होता है? एग्जोक्राइन। लेकिन कुछ पार्ट इसका क्या होता है दोस्तों? एंडोक्राइन भी होता है, लेकिन एंडोक्राइन पार्ट स्मॉल पार्ट होता है, 1-2%। एग्जोक्राइन पार्ट के रूप में जो पैनक्रियाज है वो पैनक्रियाटिक जो जूस है दोस्तों वो सीक्रेट करता है। इसके अंदर कुछ सेल्स पाए जाती हैं जिन्हें हम एल्यूलाई या फिर एकिनी सेल के नाम से भी जानते हैं। तो वो एकिनी सेल या फिर एल्यूलाई जो सेल होती है दोस्तों, वो क्या सीक्रेट करती है? पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर फूड के डाइजेशन में क्या करता है दोस्तों? हेल्प करता है। लेकिन वो हमारे ये पोर्शन जो है ये हमारे काम का नहीं है। मेन पोर्शन हमारे दोस्तों कौन सा है? एंडोक्राइन है। तो कोई बेसिक ग्लैंड जो दोनों हो, एग्जोक्राइन फंक्शन भी करे, एंडोक्राइन भी करे, उसे हम किस नाम से जानते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन पार्ट की। एंडोक्राइन जो पार्ट है दोस्तों पैनक्रियाज का, उसे हम आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जानते हैं। एंडोक्राइन जो पैनक्रियाज है उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसे हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जानते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जानते हैं। ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होती हैं दोस्तों, ये लगभग संख्या के अंदर अगर हम इनकी बात करें तो 1-2 मिलियन होती हैं। ये 1-2 क्या होती है? 2 मिलियन होती है। तो 1 मिलियन के अंदर कितने होते हैं? 10 लाख। तो लगभग 10 से 20 लाख तक इनकी क्या होती है दोस्तों? संख्या होती है। और ये कहां पर पाई जाती है दोस्तों? पैनक्रियाज में पाई जाती है। पैनक्रियाज के बारे में मैंने बता दिया आपको। ठीक है, पैनक्रियाज की लगभग स्ट्रक्चर दोस्तों ऐसी होती है, ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है इसकी। ये वाला जो पार्ट हो गया हेड हो गया, फिर इसके बाद नेक हो गया, ये बॉडी हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया दोस्तों? टेल पार्ट हो गया। तो कई बार एग्जाम में पैनक्रियाज से रिलेटेड दो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। एक क्वेश्चन दोस्तों पैनक्रियाज से रिलेटेड ये पूछा जाता है कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पैनक्रियाज के कौन से पार्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मतलब ये जो सेल्स जो होती हैं दोस्तों, जो कि क्या सीक्रेट करती हैं? इंसुलिन और अदर हार्मोन सीक्रेट करती हैं। अभी उनके बारे में आपको बताऊंगा। वो मेनली कहां पाई जाती हैं? देखो पाई पूरी पैनक्रियाज में जाती है, लेकिन मेनली जो दोस्तों ये टेल में पाई जाती हैं। कौन से पाई जाती है? टेल। तो डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाता है कि पैनक्रियाज के कौन से पार्ट में मेनली आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? टेल ऑफ द पैनक्रियाज। जो पैनक्रियाज का जो टेल वाला जो पार्ट है दोस्तों, उसके अंदर पाई जाती है। ये हेड है, नेक है, बॉडी है, टेल है। हेड है, नेक है, बॉडी है और टेल है। एक क्वेश्चन दोस्तों ये आ जाता है कि जो पैनक्रियाटिक जो कैंसर है दोस्तों, वो सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है दोस्तों? तो ध्यान रखना हेड वाला जो पार्ट होता है, हेड वाला पार्ट जो होता है दोस्तों, उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होते हैं? चांसेस होते हैं पैनक्रियाटिक कैंसर के। पैनक्रियाटिक कैंसर के सबसे ज्यादा पार्ट चांसेस कहां होते हैं दोस्तों? हेड में। ये वाला हेड वाला जो पार्ट होता है दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ड्यूडिनम जो होता है ना, उसके अंदर क्या होता है? ये फिट होता है।
ड्यूडेनम की जो कॉनकेव कैविटी पाई जाती है, ड्यूडेनम के अंदर दसा हुआ रहता है, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, आप सभी को पता है। तो ड्यूडेनम के अंदर क्या होता है दोस्तों, फंसा हुआ रहता है, ताकि वहां से सीक्रेशंस को डायरेक्टली कहां डाल दे, ड्यूडेनम के अंदर डाल दे, क्योंकि हम जो भी फूड खाते हैं वो स्टोमक में जाता है, स्टोमक के बाद में कहां जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या जरूरत पड़ेगी, उसको डाइजेशन करने की जरूरत पड़ेगी, तो डाइजेशन के लिए कौन डाइजेस्ट करेगा, डाइजेशन के लिए पैनक्रियाटिक जो जूस है वो अपना सीक्रेशन छोड़ेगा, इसलिए वो डायरेक्टली किसके अंदर फिट रहता है, ड्यूडेनम के अंदर फिट रहता है। ठीक है, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस मेनली किसमें पाया जाता है, टेल में पाया जाता है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। और कैंसर मेनली किसमें होता है दोस्तों, हेड के अंदर होता है, ये भी ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कुछ नहीं है दोस्तों, ग्रुप ऑफ सेल्स है, पैनक्रियास के अंदर पाया जाने वाला एंडोक्राइन जो पार्ट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सा है, तो वो ये भी कह सकता है। तो क्या है दोस्तों, वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इज द ग्रुप ऑफ सेल्स, ये क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है विच सीक्रेट द एंडोक्राइनल हॉर्मोन्स, जो कि क्या सीक्रेट करता है दोस्तों, एंडोक्राइनल जो हॉर्मोन्स है वो सीक्रेट करता है। तो इसमें चार प्रकार की दोस्तों सेल पाई जाती है, एक सेल जो होती है अल्फा सेल होती है जिसे हम ए सेल भी कहते हैं, दूसरी जो सेल होती है दोस्तों बीटा सेल होती है जिसे हम बी सेल भी कहते हैं, तीसरी जो सेल होती है दोस्तों वो डेल्टा सेल होती है जिसे हम डी सेल के नाम से भी जानते हैं, और चौथी जो सेल होती है दोस्तों वो होती है आपकी पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड या फिर एफ सेल, इसे हम एफ सेल के नाम से भी जानते हैं। चार प्रकार की सेल्स क्या करता है दोस्तों, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। चार प्रकार की सेल्स क्या होती है दोस्तों, प्रेजेंट होती है। पहली जो सेल होती है दोस्तों ए सेल या अल्फा सेल दोस्तों, ये ग्लूकागोन सीक्रेट करती है, क्या सीक्रेट करती है, ग्लूकागोन सीक्रेट करती है, ये भी हॉर्मोन है, ग्लूकागोन हॉर्मोन है, आपको सबको इसके बारे में पता है कि ग्लूकागोन हॉर्मोन, बस सिंपल बताऊंगा क्योंकि हम ज्यादा जो कंसंट्रेशन है वो हम इंसुलिन पे देंगे। तो ग्लूकागोन मेनली क्या काम करता है दोस्तों, कि ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, ठीक है, ग्लूकोज के लेवल क्या करता है, बढ़ाता है, ये ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करेगा, और ब्रेक डाउन करके ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट करेगा दोस्तों, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस उसको प्रमोट करेगा, ताकि ग्लूकोज का फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़े। अभी मैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में आपको भी बताऊंगा जब मैं इंसुलिन के बारे में हम बात करेंगे। सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली जो सेल्स होती है दोस्तों वो कौन सी होती है, बीटा सेल होती है, फिर अल्फा होती है, फिर डेल्टा होती है, और फिर आपकी पीपी और एफ सेल होती है। ये भी ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी सेल पाई जाती है, बीटा सेल या बी सेल पाई जाती है। ये सेल क्या सीक्रेट करती है, ये आपका जो हॉर्मोन आपको पढ़ना है, जिसके बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा जानना है, वो हॉर्मोन कौन सीक्रेट करती है दोस्तों, आपके बीटा सेल या बी सेल सीक्रेट करती है इंसुलिन हॉर्मोन को, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि डेल्टा सेल और जो डी सेल जो होती है दोस्तों, ये क्या सीक्रेट करती है, तो ये एक हॉर्मोन सीक्रेट करती है जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, सोमेटोस्टेटिन के नाम से जानते हैं। एक सोमेटोस्टेटिन जो हॉर्मोन है, ध्यान रखना, वो हाइपोथैलेमस के द्वारा भी क्या किया जाता है, सीक्रेट किया जाता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ग्रोथ हॉर्मोन इनहिबिटरी हॉर्मोन के नाम से हम जिसे जानते हैं, ठीक है। तो तीसरा हो गया सोमेटोस्टेटिन। एक जो एफ सेल जो है दोस्तों, एफ ये नहीं है, या पीपी सेल जो होती है दोस्तों, ये पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सीक्रेट करती है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो सबसे पहले चीज, तो जो क्वेश्चन है दोस्तों डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि भाई कौन सी सेल क्या सीक्रेट करती है, तो ये आपको आना चाहिए कि भाई जो इंसुलिन है ना वो किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की जो बीटा सेल्स होती हैं या बी सेल्स जो होती हैं दोस्तों, वो क्या सीक्रेट करती हैं, आपका इंसुलिन सीक्रेट करती हैं। अब इंसुलिन का जो सीक्रेशन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन से जो दोस्तों जो आप लोग ज्यादातर पढ़ते नहीं है उसके बारे में बताना चाहूंगा। बीटा सेल जो होती है उसकी भी एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है दोस्तों, वो क्या सीक्रेट करती है, इंसुलिन सीक्रेट करती है। क्या सीक्रेट करती है दोस्तों, इंसुलिन सीक्रेट करती है, लेकिन ये इंसुलिन को डायरेक्टली सीक्रेट नहीं करती है, ध्यान रखना। जैसे कि एमआई के मोबाइल आते हैं ना, रियलमी मोबाइल प्रो, सुपर प्रो, ठीक है, ये ऐसे 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 नाम से सीक्रेट करती है, कैसे, प्री प्रो इंसुलिन। मेन जब ये सीक्रेट करती है तो इंसुलिन नहीं रहता दोस्तों, क्या रहता है, प्री प्रो इंसुलिन रहता है। फिर प्री प्रो इंसुलिन जो है वो किसमें कन्वर्ट होता है, प्रो इंसुलिन के अंदर कन्वर्ट होता है। और प्रो इंसुलिन का जब ब्रेक डाउन होता है तो वो दो भागों में टूटता है, इंसुलिन प्लस सी पेप्टाइड चेन के रूप में टूटता है, ध्यान रखना। और ये इंसुलिन जो है दोस्तों, यही अपना फंक्शन क्या करता है, परफॉर्म करता है। ये इंसुलिन जो है दोस्तों, वही अपना फंक्शन क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि पहले प्री प्रो इंसुलिन के रूप में, कोई डायरेक्टली आपसे पूछे कि बीटा सेल किस रूप के अंदर इंसुलिन को सीक्रेट करती है, तो डायरेक्टली इंसुलिन के रूप में सीक्रेट नहीं करती, किसके रूप में करती है दोस्तों, प्री प्रो इंसुलिन के रूप में करती है। प्री प्रो जो इंसुलिन है दोस्तों, वो किसमें कन्वर्ट होता है, आपका प्रो इंसुलिन के अंदर कन्वर्ट होता है। और प्रो इंसुलिन जो होता है दोस्तों, वो टूटता है दो भागों में, एक इंसुलिन के रूप में टूटता है, एक सी पेप्टाइड चेन के रूप में टूटता है, एक इंसुलिन के रूप में टूटता है और एक किसके रूप में टूटता है दोस्तों, सी पेप्टाइड चेन के रूप में टूटता है, ठीक है। तो ये भी आपको क्या रखना, ध्यान रखना, क्यों आगे हम सी पेप्टाइड चेन टेस्ट पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि जितना कम इंसुलिन बनेगा उतना ही सी पेप्टाइड चेन भी क्या बनेगी दोस्तों, कम बनेगी। तो हम सी पेप्टाइड चेन को देखकर भी पता लगा सकते हैं कि भाई इंसुलिन का सीक्रेशन कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, क्यों, क्योंकि अगर ये ज्यादा बन रहा है तो ये ज्यादा बनेगा, प्रो इंसुलिन अगर टूटेगा ज्यादा तो ज्यादा इंसुलिन बनेगा, तो साथ में ज्यादा क्या बनेगा दोस्तों, सी पेप्टाइड चेन भी ज्यादा मात्रा में बनेगा। और अगर इंसुलिन कम बन रहा है तो सी पेप्टाइड चेन भी कम बनेगी। तो इसलिए हम इसको डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है उसके रूप में भी हम क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं,
इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ इंसुलिन के बारे में। बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा। कि जो इंसुलिन है दोस्तों, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं उसके बारे में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, फैट का मेटाबॉलिज्म, और एक ग्रोथ से रिलेटेड भी है। तीन चार फंक्शन हो गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और ग्रोथ से रिलेटेड। कार्बोहाइड्रेट का जो फंक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट है, सबको पता ही है। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, फैट का मेटाबॉलिज्म और बॉडी की ग्रोथ को बढ़ाने में भी क्या करता है दोस्तों, हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में क्या काम करता है दोस्तों, ये ग्लूकोज को जो इंसुलिन जो है ग्लाइकोजन में चेंज करता है। तो अब आप ये बताओ कि ये जब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर रहा है दोस्तों, तो ये ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहा है या बढ़ा रहा है? तो सिंपल सी बात है कि जो ग्लूकोज ब्लड के अंदर है दोस्तों, वो किस में चेंज हो गया? ग्लाइकोजन में चेंज हो गया। वो किसके अंदर चेंज हो गया दोस्तों? ग्लाइकोजन में चेंज हो गया। अब अगर इंसुलिन जो है जो ग्लूकोज के अंदर था, वो किसके अंदर चेंज हो गया दोस्तों? ग्लाइकोजन में चेंज आ गया। तो वो जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है, उसके अमाउंट क्या हो जाएगी दोस्तों? कम हो जाएगी। उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए इंसुलिन ब्लड के अंदर ग्लूकोज के अमाउंट को क्या करता है दोस्तों? कम करता है। इसलिए इंसुलिन ग्लूकोज के अमाउंट को ब्लड में क्या करता है दोस्तों? कम करता है। कैसे कम करता है? पहला काम, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर रहा है। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। इस प्रोसेस को हम किस नाम जानते हैं दोस्तों? ग्लाइकोजेनेसिस को नाम से जानते हैं। तो ग्लाइकोजेनेसिस को क्या कर रहा है दोस्तों? प्रमोट कर रहा है। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस को क्या कर रहा है दोस्तों? प्रमोट कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो ग्लूकोज है किसमें कन्वर्ट हो दोस्तों? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो। अब जो ग्लाइकोजन जो होता है, आप जानते हो सभी, कार्बोहाइड्रेट होता है ये, ठीक है, पॉलीसेकेराइड होता है ये, और जो ह्यूमन बीइंग है उनके अंदर या एनिमल जो होते हैं दोस्तों, उनके अंदर जो एनर्जी जो स्टोर जो होती है ना, वो किस रूप के अंदर होती है दोस्तों? ग्लाइकोजन के अंदर होती है, ग्लाइकोजन के रूप के अंदर होती है। तो हम ज्यादा, मान लो जो भी एनर्जी हम ज्यादा ले रहे हैं, अगर हमारे पास इंसुलिन है, तो वो एनर्जी जो यूज हो गई वो ठीक है, जो यूज नहीं हुई उसको क्या कर देता है? स्टोर कर देता है। और लीवर और मसल्स के अंदर मेनली ग्लाइकोजन क्या होता है? स्टोर हो जाता है। तो वो ग्लाइकोजन जो है दोस्तों, वो बाद में हमारी बॉडी के लिए क्या करता है? हेल्पफुल होता है। तो पहला काम क्या कर दिया इसने? ग्लाइकोजेनेसिस को क्या कर दिया दोस्तों? प्रमोट कर दिया। सेकेंड काम, इंसुलिन क्या काम करता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस को कम कर देता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या कर देता है? कम कर देता है। अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है दोस्तों? कि भाई ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन ग्लूकोज के रूप में होना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या हो गया? ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होना क्या कहलाएगा दोस्तों? ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाएगा। सिंपल से समझ लो, इधर सुनो, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया इसने किसमें? ग्लाइकोजन में, ठीक है, इसको प्रमोट कर रहा है। दूसरा दोस्तों, ग्लाइकोजन का किसमें चेंज होना दोस्तों? ग्लूकोज में चेंज होना। अब ग्लूकोज इससे क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा। अगर ग्लाइकोजन टूटेगा तो ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज क्या होगा? बढ़ेगा। अब इंसुलिन तो क्या काम करता है? ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। इसलिए ये इस प्रोसेस को क्या करता है दोस्तों? इनहिबिट करता है। इस प्रोसेस को क्या करता है? ये इनहिबिट करता है। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को जो इंसुलिन है दोस्तों, वो क्या कर देता है? रोकता है, इनहिबिट करता है, कम कर देता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पहली चीज। तीसरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये इनहिबिट करता है दोस्तों, इनहिबिट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को, ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करता है। अब यहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, पहली चीज तो यही पूछ लेते हैं। तो दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के अलावा और किसी चीज से भी ग्लूकोज का क्या हो सकता है? फॉर्मेशन हो सकता है। और उस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। ग्लूको का मतलब यहां पे ग्लूकोज है, नियो का मतलब होता है न्यू, न्यू का मतलब अदर देन, जो किसके लिए नया है? कार्बोहाइड्रेट के लिए नया है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा। और जेनेसिस का मतलब क्या होता है दोस्तों? फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब क्या होता है दोस्तों? फॉर्मेशन। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन अदर देन कार्बोहाइड्रेट से होना क्या कहलाता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स होना क्या कहलाता है दोस्तों? ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। अब यहां पर भी फॉर्मेशन किसका हो रहा है? ग्लूकोज का हो रहा है। तो आप एक बार बताओ, इंसुलिन ग्लूकोज के फॉर्मेशन को बढ़ाता है या कम करता है? तो आप कहोगे सर, ग्लूकोज को ब्लड में क्या करता है? ये कम करता है। अब कम करेगा तो मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी क्या करता है दोस्तों? ये इनहिबिट करता है, रोकता है। इसको भी क्या करता है? रोकता है। अब ब्रैकेट में इसको भी लिख लो आप, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस, कुछ भी हो सकता है, वो प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है, अमीनो एसिड्स हो सकता है, या और कुछ। नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस है दोस्तों ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना, इसको भी क्या करता है दोस्तों? ये इनहिबिट करता है। तो इस प्रकार से ये ब्लड के अंदर दोस्तों ग्लूकोज के अमाउंट को क्या कर देता है? ये कम कर देता है। इस प्रकार से ये ग्लूकोज के अमाउंट को ब्लड में क्या कर देता है दोस्तों? कम करता है। और क्या काम करता है मेटाबोलिज्म में? इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊंगा, अभी मैं ये थोड़ा सा पढ़ा देता हूं, फिर वापस से क्वेश्चन के ऊपर आऊंगा मैं कि क्वेश्चन में क्या क्या हमें पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, अब देखो इसके अलावा क्या काम करता है दोस्तों? ये इंक्रीज कर देता है अपटेक ऑफ ग्लूकोज, इंक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाई
बॉडी सेल्स। दोस्तों हमारी बॉडी की जितनी भी जो सेल्स होती है ना, ये है हमारी बॉडी की कोशिका या बॉडी की सेल। हमारी बॉडी की सेल को, कोशिका को यूज करने के लिए क्या चाहिए दोस्तों? ग्लूकोज चाहिए एनर्जी के लिए। एनर्जी के लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। बिना ग्लूकोज की हमारी बॉडी की सेल्स जो है वो क्या काम नहीं करेंगे। अब ये ग्लूकोज जो है ना दोस्तों, सेल के अंदर एंटर करने के लिए, सेल के अंदर क्या करने के लिए दोस्तों, एंटर करने के लिए भी क्या चाहिए दोस्तों? इंसुलिन चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? इंसुलिन चाहिए। अगर इंसुलिन नहीं है ना, तो ये ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा, बाहर बाहर रहेगा। ठीक है, बाहर रहेगा, अंदर नहीं जा पाएगा। तो इंसुलिन क्या काम करता है? एक तो क्या काम करता है दोस्तों, कि ग्लूकोज की एंट्री करवाता है दोस्तों सेल के अंदर। कैसे करवाता है? दो प्रकार से करवाता है, ध्यान रखना। एक ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट जो प्रोटीन्स है उनको बढ़ाता है। ट्रांसपोर्ट जो प्रोटीन है, जैसे GLUT, उसको क्या कर देता है दोस्तों? इंक्रीज करता है। अभी समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। सेकंड, परमेबिलिटी को बढ़ाता है। अभी समझा दूंगा, आप अब कंफ्यूज मत होना कि सर क्या पढ़ाने लग गए, बहुत डिटेल में चला गया। डिटेल नहीं है, ये जरूरी है हमारे लिए कि इंसुलिन काम कैसे करता है। जब आपको ये नहीं पता, अब आपको मैं मेन जो क्वेश्चन है दोस्तों वो लेके आऊंगा। आप सोचो, हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। अगर हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज है तो हमें एनर्जी मिलेगी। डायबिटीज मेलिटस में ग्लूकोज की अमाउंट ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन ज्यादा बढ़ने के बावजूद भी हमारी बॉडी जो है दोस्तों उसके लिए नुकसानदायक क्यों है? ये क्यों डायबिटीज मेलिटस एक डिसऑर्डर है, जबकि आपका तो ये होना चाहिए ज्यादा एनर्जी हो जानी चाहिए आपके पास, अनलिमिटेड एनर्जी हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज के जो अमाउंट है दोस्तों वो क्या हो गया, बढ़ गया। ग्लूकोज का अमाउंट क्या हो गया, बढ़ गया। तो डायबिटीज मेलिटस में तो आपकी एनर्जी बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखो, ट्रांसपोर्ट जो प्रोटीन है उसको बढ़ाता है और परमेबिलिटी को बढ़ाता है। समझाता हूं, ये आपके ब्लड वेसल्स हैं। ये क्या है दोस्तों? आपके ब्लड वेसल्स हैं। यहां पर ये ब्लड है, ब्लड वेसल्स। ये है बॉडी के सेल्स जिनको एनर्जी की क्या है दोस्तों, जरूरत है। अब एक्चुअली में यहां पर जो ग्लूकोज है दोस्तों, उस ग्लूकोज को यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए, बॉडी की सेल्स तक पहुंचाने के लिए ग्लूकोज डायरेक्टली नहीं जा पाता। ग्लूकोज क्या कहता है कि मुझे तो भाई ट्रक चाहिए, मुझे तो गाड़ी चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए, मुझे तो कोई ट्रांसपोर्टर चाहिए जिसमें बैठकर मैं जाऊं और सेल तक क्या करूं दोस्तों, पहुंचूं। अब वो जो गाड़ी जो देता है ना दोस्तों, वो गाड़ी जो मिल रही है वो कौन है? वो है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। वो कौन है दोस्तों? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया, जैसे GLUT प्रोटीन, GLUT प्रोटीन होती है दोस्तों। अब क्या होगा, ग्लूकोज इस GLUT के साथ जुड़ेगा। ग्लूकोज इस GLUT के साथ क्या होगा दोस्तों? जुड़ेगा। और जुड़ने के बाद में जो ग्लूकोज है दोस्तों वो कहां तक पहुंचेगा? सेल तक पहुंचेगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये प्रोटीन नहीं है दोस्तों, तो सेल तक, एक तो उसकी अमाउंट क्या होगी दोस्तों? पहुंचेगी नहीं। सेल तक बहुत कम अमाउंट में क्या पहुंच पाएगा? ग्लूकोज पहुंच पाएगा बिना ट्रांसपोर्ट के। ठीक है, तो इस GLUT प्रोटीन को बढ़ाने का काम जो करता है ना दोस्तों, वो कौन करता है दोस्तों? इंसुलिन करता है। वो कौन करता है दोस्तों? इंसुलिन करता है। तो अगर इंसुलिन होगा तो GLUT प्रोटीन ज्यादा होगी, क्योंकि इनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है ये, और ग्लूकोज जो है बॉडी सेल तक पहुंचेगा। यहां पर आपका ग्लूकोज पहुंच गया, यहां पर आपका क्या पहुंच गया दोस्तों? ग्लूकोज पहुंच गया। अब यहां तक पहुंचाने का काम तो इसने किसके थ्रू करवा दिया? इंसुलिन ने GLUT के थ्रू करवा दिया। लेकिन यहां से अंदर जाने का काम भी कौन करवाता है आपका? इंसुलिन ही करवाता है। यहां से अंदर जाने का काम भी कौन करवाता है? इंसुलिन करवाता है। कैसे करवाता है बताता हूं। ये देखो, सेल की परमेबिलिटी को क्या करता है दोस्तों? इंक्रीज करता है। मतलब कि जो कोई भी चीज बॉडी के अंदर, सेल के अंदर एंटर करेगी दोस्तों, तो उसका छलनी होना जरूरी होता है, वहां पर रास्ता होना जरूरी होता है, वो वे बनाना जरूरी होता है। और वो रास्ता क्या है? परमेबिलिटी है, कि वो कोई भी चीज किसी के अंदर क्या कर सकती है दोस्तों? एंटर कर सकती है या नहीं कर सकती। तो अब मान लो कि यहां पर काम नहीं कर रहा, चलो ऐसे कर रहा है। यहां पर मान लो ग्लूकोज पहुंच गया, GLUT ने तो पहुंचा दिया, मान लो किसी तरीके से, ऐसे मान लो कि GLUT था और ग्लूकोज क्या हो गया दोस्तों? पहुंच गया। अब यहां से सेल के अंदर एंटर करने के लिए भी क्या चाहिए दोस्तों? इंसुलिन चाहिए। अब इंसुलिन क्या करेगा? यहां पर रास्ते बनाएगा, चैनल बनाएगा, परमेबिलिटी बनाएगा। तो ये सेल जो होगी ना दोस्तों, ये थोड़ी सी परमेबल हो जाएगी, छलनी हो जाएगी। छलनी होगी तो क्या होगा? यहां से जो ग्लूकोज है दोस्तों वो क्या करेगा? एंटर कर जाएगा। किसके अंदर? सेल के अंदर। साथ में कौन जाएगा दोस्तों? इंसुलिन। इंसुलिन कहेगा मैं तेरे को साथ में लेके चलता हूं। अब सेल के अंदर ले जाने का जो काम करता है ना दोस्तों, वो कौन करता है आपका? इंसुलिन करता है। वो कौन करता है? इंसुलिन करता है। तो इंसुलिन क्या काम करता है दोस्तों? परमेबिलिटी को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? परमेबिलिटी को बढ़ाता है। तो इसलिए अब उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा ग्लूकोज है, तो बहुत सारी एनर्जी होनी चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों देखो, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर
एनर्जी तब होगी जब वो एनर्जी सेल के द्वारा यूज की जाएगी, क्योंकि हमारा पूरा जो शरीर जो होता है दोस्तों किसके द्वारा बना हुआ होता है, सेल के द्वारा बना हुआ होता है। सेल मतलब सेल के पास एनर्जी है तो हमारे शरीर के पास एनर्जी है, ऐसा भी कह सकता हूं क्योंकि पूरा शरीर ही सेल के द्वारा बना हुआ है। तो दोस्तों सेल के पास एनर्जी कब होगी, जब ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा, ठीक है, अंदर जाएगा तभी तो वो एनर्जी को यूज करेगी सेल। अब दोस्तों जब जब ग्लूकोज जो है वो सेल के पास जा ही नहीं रहा, ग्लूकोज सेल के पास अंदर एंट्री नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि इंसुलिन नहीं है। अब इंसुलिन नहीं है तो ब्लड वेसल्स के अंदर ग्लूकोज पड़ा हुआ है, पड़ा रहेगा, क्यों, यहां तक ले जाने का काम ट्रक चाहिए, कौन है, जीएलयूटी, नहीं पहुंच रहा भाई, ठीक है, तो उस ग्लूकोज का क्या काम, जो पहुंचा ही नहीं रहा। दूसरा, जो पहुंच गया उसको भी एंटर करवाने का काम कौन करेगा दोस्तों, इंसुलिन करेगा, उसको भी एंटर करवाने का काम कौन करेगा, इंसुलिन करेगा। तो दोस्तों अब इसको जो एंटर करवाने का काम कर रहा है वो इंसुलिन कर रहा है, वो इंसुलिन भी नहीं है तो सेल के बाहर पड़ा रहेगा लेकिन सेल के अंदर एंटर नहीं करेगा। और जब सेल के अंदर एंटर नहीं करेगा, जब फूड जो है वो सेल के अंदर एंटर नहीं कर रहा, तो उस फूड को एनर्जी कैसे मिलेगी, क्योंकि एनर्जी कब मिलेगी, जब सेल क्या करेगी, ऑक्सीडेशन करेगी, सेल फूड का क्या करेगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करती है दोस्तों, ऑक्सीडेशन करती है, जिसे हम रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। और जब फूड का ऑक्सीडेशन होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, तब एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अब हमारे पास क्या है दोस्तों, ग्लूकोज पड़ा हुआ है लेकिन सेल के अंदर एंटर नहीं कर रहा, तो ये सभी कारण होते हैं कि क्या होता है दोस्तों, कि जो इंसुलिन, ग्लूकोज होने के बावजूद भी इंसुलिन की कमी के कारण हमारी जो बॉडी है दोस्तों उस ग्लूकोज को क्या नहीं कर पा रही है, यूज नहीं कर पा रही है, उस ग्लूकोज को यूज नहीं कर पा रही है। इसलिए डायबिटीज मेलाइटस एक वरदान न होकर एक अभिशाप बन जाता है, एक डिसऑर्डर बन जाता है, ये हमारी पावर नहीं बनता, तो ये भी आप समझो, ठीक है। पहला फंक्शन हो गया इसका, तो यूटिलाइजेशन को बढ़ा रहा है ग्लूकोज का, ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा है, यूज को बढ़ा रहा है दोस्तों, ग्लूकोज के यूज को क्या कर रहा है दोस्तों, ये बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है, दो तरीके से बढ़ा रहा है, वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा तीन फंक्शन मैंने आपको पहले बता दिया, इनको अच्छे से रटने की जरूरत नहीं है, इनको अच्छे से समझो अपने दिमाग में, बस ये कर लो कि आपको ग्लूकोज को कम करना है, अब ग्लूकोज को बढ़ाना नहीं है, बस बाकी चीज आप समझ जाओगे। क्यों, ग्लाइकोजेनेसिस होगा तो ग्लूकोज कम होगा, इसलिए इसको क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा तो ग्लूकोज बढ़ेगा, इसलिए इसको क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा। और ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा तो ग्लूकोज बढ़ेगा, इसलिए इसको भी क्या करेगा दोस्तों, ये इनहिबिट करेगा। तो इस प्रकार से ये क्या काम करता है दोस्तों, ग्लूकोज के लेवल को बॉडी के अंदर क्या करता है दोस्तों, बढ़ाता है। नेक्स्ट, प्रोटीन, बस सिंपल सा वर्ड समझो, प्रोटीन का एनाबोलिज्म करवाता है ये, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन का बॉडी के अंदर क्या करवाता है दोस्तों, फॉर्मेशन करवाता है, और कैटाबोलिज्म को क्या करता है दोस्तों, रोकता है, एनाबोलिज्म को इंक्रीज करता है और कैटाबोलिज्म प्रोटीन के ब्रेकडाउन को क्या करता है दोस्तों, ये रोकता है। अब जब मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा कि डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर क्या आ जाती है दोस्तों, वीकनेस आ जाती है, तो वीकनेस की मैं आपको, मैं हर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का आपको रीजन बताऊंगा कैसा क्यों होता है भाई, पॉलीयूरिया होता है तो क्यों होता है, ऑस्मोटिक डायलिसिस के कारण होता है, कैसे होता है वो बताऊंगा, पॉलीयूरिया क्या होता है, पॉलीफेजिया क्या होता है, पॉलीडिप्सिया क्या होता है, सब बारे में बात करेंगे। एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताऊंगा मैं आपको दोस्तों, वीकनेस, क्या बताऊंगा, वीकनेस बताऊंगा। और वीकनेस का जब मैं रीजन बताऊंगा तो मैं दो रीजन बताऊंगा, एक तो क्या कि बॉडी की सेल्स ग्लूकोज को यूज नहीं कर पा रही है, जब यूज नहीं कर पा रही तो एनर्जी नहीं है, और जब एनर्जी नहीं है दोस्तों तो वीकनेस होगी। नेक्स्ट रीजन ये बताऊंगा कि इंसुलिन क्या काम करवा रहा है दोस्तों, प्रोटीन के फॉर्मेशन को इंक्रीज करवा रहा है, लेकिन यहां पर जब इंसुलिन नहीं होगा तो कैटाबोलिज्म बढ़ेगा, तो ये तो वो तब बात थी जब इंसुलिन है, क्योंकि हम इंसुलिन के फंक्शन पढ़ रहे हैं कि इंसुलिन क्या काम करवा रहा है, एनाबोलिज्म। अब डायबिटीज मेलाइटस में क्या होगा, इंसुलिन की कमी होगी तो कैटाबोलिज्म बढ़ेगा, कैटाबोलिज्म बढ़ेगा तो जो जो प्रोटीन है उसका ब्रेकडाउन होगा, कोलेजन जो प्रोटीन है उसका ब्रेकडाउन होगा। तो वहां से हम दो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के रीजन हमारे निकलेंगे, एक रीजन तो क्या निकलेगा कि वीकनेस का कारण है, एक दूसरा वुंड हीलिंग, डिले इन वुंड हीलिंग होगा, उसका कारण भी ये होगा क्योंकि प्रोटीन का क्या हो रहा है दोस्तों, ब्रेकडाउन हो रहा है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उससे भी क्या होगा, वुंड हीलिंग में क्या होती है, देरी होती है। क्यों, वुंड हीलिंग के लिए भी क्या चाहिए दोस्तों, प्रोटीन की क्या होती है, जरूरत होती है, तो वो भी आपको वहां पर मैं समझाऊंगा। इसलिए फंक्शन बहुत जरूरी है, मैं डायरेक्टली आपको पढ़ाने लग जाता ना और ये फंक्शन नहीं बताता, कभी भी डायबिटीज मेलाइटस को नहीं समझ पाते, कभी भी आप समझ नहीं पाते, वो सिर्फ आपका क्या हो जाता, रटना हो जाता। और मैं चाहता हूं कि दोस्तों आपको अच्छे से डायबिटीज मेलाइटस क्या है दोस्तों समझ में आए, ये मेरा, ठीक है, ये मेरा व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम फैट की, फैट के अंदर ये लाइपोजेनेसिस करवाता है, क्या करवाता है दोस्तों, लाइपोजेनेसिस करवाता है। ज्यादा डिटेल में मत पढ़ो, बस ये ध्यान रखो कि लिपिड के फॉर्मेशन को क्या करवा रहा है दोस्तों, ये इंक्रीज करवा रहा है, लिपिड के फॉर्मेशन क्या करवा रहा है, इंक्रीज करवाता है। कई सारे काम करता है ये, क्या काम करता है दोस्तों कि ये ग्लूकोज को फैटी एसिड में चेंज करता है, ठीक है, फैटी एसिड जो होता है उसको ट्राइग्लिसराइड के अंदर चेंज करता है, फैटी एसिड का जो डिपोजिशन है एडिपोज टिश्यूज में बढ़ाता है, फैट का जो डिपोजिशन है वो भी एडिपोज टिश्यूज में बढ़ाता है। तो बहुत सारे फंक्शन हो गए, कोई काम के नहीं है, वो मैंने पढ़े हैं अच्छे से, मैंने आपको ऐसे बता भी दिया, लेकिन कोई काम के नहीं है। सिर्फ एक लाइन पढ़ो, लाइपोजेनेसिस करवाता है, लिपिड के फॉर्मेशन को क्या करवाता है दोस्तों, इंक्रीज करवाता है, लिपिड के फॉर्मेशन को इंक्रीज करवाता है। तो तीनों फंक्शन हो गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट।
एक जो फंक्शन जो होता है दोस्तों वो ग्रोथ है, जो कि हमारे काम का नहीं है, बट फिर भी मैं जो आया है तो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, एक वैज्ञानिक था हाउजे, उसने क्या कहा कि भाई हमारी बॉडी के अंदर ना दो हार्मोन होते हैं मेनली दो हार्मोन होते हैं, एक ग्रोथ हार्मोन हो गया, एक इंसुलिन हो गया, और एक होता है वैसे इंसुलिन ग्रोथ लाइक फैक्टर जो कि लीवर सीक्रेट करता है, इंसुलिन ग्रोथ लाइक फैक्टर होता है, फैक्टर वन। ठीक है, ये मेनली ग्रोथ को क्या करते हैं दोस्तों, इंक्रीज करवाते हैं। तो उसने इन दोनों के ऊपर काम किया, ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन। उसने कहा कि मैंने एनिमल्स को, जानवरों के ऊपर टेस्ट किया है, और मैंने ये टेस्ट किया कि अगर हम किसी पर्सन को क्या दें, सिर्फ अकेला ग्रोथ हार्मोन दें, अगर अकेला क्या दे, ग्रोथ हार्मोन दे, और अगर इंसुलिन नहीं दे, तो वो पर्सन क्या नहीं कर सकता दोस्तों, ग्रोथ नहीं कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता, ग्रोथ नहीं कर सकता। इसलिए इंसुलिन भी क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है। सीधी सी बात है दोस्तों, इंसुलिन हर चीज काम कर रहा है, हर मेटाबॉलिज्म में इफेक्ट कर रहा है, तो इंसुलिन नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म बिगड़ेगा, तो व्यक्ति की ग्रोथ भी क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। उसको उसने हाउजे इफेक्ट नाम दिया था, उसे हाउजे इफेक्ट कहा था, ज्यादा पढ़ने की आपको वैसे जरूरत है नहीं, बस वैसे बता देता हूं कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए भी इंसुलिन की क्या होती है दोस्तों, नीड होती है। इंसुलिन की क्या होती है, नीड होती है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए भी। ठीक है, अब आते हैं, हम थोड़े से क्वेश्चंस करवाता हूं और फिर वापस से आएंगे। क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि मेरे पास टाइम की सबसे ज्यादा कमी है। मैं नहीं चाहता कि 15-20 घंटे की सिर्फ डायबिटीज मेलाइटिस बन जाए और फिर आप कहोगे सर ये क्या है, सिर्फ डायबिटीज मेलाइटिस ही बना करोगे क्या 100 टॉपिक्स में। एक ग्लैंड विच कैन बी क्लासिफाइड एज एन एंडोक्राइन एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड, कौन सी ऐसी ग्लैंड है दोस्तों जो दोनों का काम करती है, बताओ, बताने की जरूरत नहीं आपको। पैनक्रियाज ऐसी ग्लैंड है जो दोनों का काम करती है, एक लीवर और होता है वो भी मिस्ट ग्लैंड के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, हार्मोन सीक्रेटेड बाय आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, कौन से हार्मोन जो है दोस्तों आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। डीएसएसबी के क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर एग्जाम 2017 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसका जो आंसर होगा सिंपल सा है इंसुलिन, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो हार्मोन ग्लूकागोन इज सीक्रेटेड बाई, जो ग्लूकागोन जो हार्मोन है वो दोस्तों कौन सी सेल सीक्रेट करती है। जल्दी जल्दी में आप जोर सोच में आके बीटा सेल कर देते हो, गलती हो जाती है, अल्फा सेल्स ऑफ द पैनक्रियाज जो होती है दोस्तों उसको क्या करती है, सीक्रेट करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर प्रेजेंट इन, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहां प्रेजेंट होती है, लीवर में, स्प्लीन में, स्टोमक में, पैनक्रियाज में। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर है पैनक्रियाज, एसआईसी में पूछा हुआ है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन डज नॉट कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा हार्मोन है जो ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल नहीं करता। तो ध्यान रखना, इंसुलिन भी करता है, इंसुलिन कम कर रहा है, ग्लूकागोन बढ़ा रहा है, कोर्टिसोल भी बढ़ा रहा है, वैसोप्रेसिन या एंटीडायरेटिक हार्मोन नहीं करता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैसोप्रेसिन हो जाएगा, वैसोप्रेसिन या एंटीडायरेटिक हार्मोन दैट इज सीक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दैट इज आल्सो नोन एज न्यूरोहाइपोफाइसिस दैट आल्सो सीक्रेट द ऑक्सीटोसिन, जो ऑक्सीटोसिन को भी सीक्रेट करती है। तो ये इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, ग्लूकोज से कोई लेना देना इसका नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में पूछो, इन फॉलोइंग विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द इंसुलिन, अभी पढ़ा है ये जो पढ़ा है ना, ये क्वेश्चन यही है कि इनमें से कौन सा इंसुलिन का फंक्शन नहीं है। तो पहले तो इसका कोड़ा लगाया करो कि नहीं है, ठीक है, नहीं है पढ़ रहा है। डिक्रीजिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इंसुलिन क्या काम करता है दोस्तों, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को डिक्रीज करता है। सही बात है, मैंने आपको बताया इनिबिट ग्लाइकोजिनोलाइसिस, कि ग्लाइकोजन का अगर ब्रेकडाउन होगा तो ग्लूकोज बनेगा, तो ये तो फंक्शन है, ये तो क्या इसका फंक्शन है। दूसरा इसके बाद दे रखा है इसमें कि ग्लूको नियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, नहीं, इसको क्या करता है दोस्तों, ये इनहिबिट करता है, इसको क्या करता है, ये इनहिबिट करता है, बनाता नहीं है। यहां पर देखा भाई ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, तो ये क्या है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। इसके बाद है लाइपोजेनेसिस, हाँ मैंने बताया कि लिपिड का फॉर्मेशन करवाता है, और ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन भी करवाता है। तो ये तीनों चीजें करवाता है, लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं करवाता। और ग्लूकोनियोजेनेसिस होता क्या है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे कैसे आया हुआ है क्वेश्चन, एक बार डीएसएसबी के 2015 के एग्जाम में, कि सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स इज रेफर्ड है, इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हो गए आपके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं आगे डायबिटीज मेलिटस के बारे में और। अब हम आ जाते हैं दोस्तों वापस से लौटकर डायबिटीज मेलिटस, अब हम इसको समझते हैं। देखो बच्चे, सबसे पहला एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि डायबिटीज मेलिटस इज द डिसऑर्डर इन विच डिस्टर्बेंस ऑफ द मेटाबॉलिज्म अकर, ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी फैट, डी ऑल ऑफ द अबोव। तो बच्चे जल्दी जल्दी में क्या कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कर देते हैं, कि डायबिटीज मेलिटस जो है ना किसका डिसऑर्डर है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म का डिसऑर्डर है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का नहीं है, कार्बोहाइड्रेट का भी है, प्रोटीन का भी है, फैट का भी है, ठीक है, तीनों का है ये, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म का क्या है दोस्तों, ये डिसऑर्डर है। तो डायबिटीज मेलिटस इज द डिसऑर्डर ऑफ
इट इज ए डिसऑर्डर, इट इज ए डिसऑर्डर इन विच डिस्टर्बेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ, कोई डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझना है आपको, ऐसा नहीं कि आप रटने लग जाओ इट इज द डिस्टर्बेंस, ये कोई अब आपका एकेडमिक एग्जाम नहीं है, आपको पढ़ना है सीधा एग्जाम देना है, तो सिर्फ समझना है इसको आपको, ठीक है। कहीं रटने लग जाओ आधा घंटा इसमें लगा दो कि यार एक लाइन टू लाइन याद करूंगा, तो वो टाइम आपका गया, बस वो नहीं पढ़ना आपको, आपको गवर्नमेंट जॉब में लगना है, गवर्नमेंट जॉब में लगने के लिए आपको लाइन टू लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, हर चीज आनी चाहिए, सही सिक्वेंस नहीं आई। तो इट इज ए डिसऑर्डर इन विच डिस्टर्बेंस ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ, किस किस का होगा बताओ, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म ऑफ प्रोटीन एंड फैट, अगर फैट अगर दैट इज मैनिफेस्टेड बाई हाइपरग्लाइसेमिया, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया एंड पोलीफेजिया, ठीक है। सिंपल सी बात है, इतनी ज्यादा डिटेल में इतनी टफ लैंग्वेज देने की जरूरत नहीं है, सिंपल से अपने दिमाग में डालो, मैंने आपको हमेशा समझाया है जिस भी चीज को याद करना है सिंपल वर्ड में अपने दिमाग में डालोगे तभी याद होगी, नहीं तो आप भूल जाओगे। क्या भाई, तीन चीजों के मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फंक्शन तीनों के पढ़े हमने, कार्बोहाइड्रेट का भी पढ़ा है, प्रोटीन का भी पढ़ा है और फैट का भी पढ़ा है, तो सीधी बात है डिस्टर्बेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म होगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या आएंगे दोस्तों, एक तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा, दैट विल बी नोन एज हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है। अब हाइपरग्लाइसेमिया क्या है, कितना ज्यादा बढ़ता है क्या नहीं बढ़ता, वो सब मैं आपको जब डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन पढ़ाऊंगा तो मैं बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों पोलीयूरिया, ठीक है, पोलीयूरिया होता है इसके अंदर, एक पोलीडिप्सिया होता है और एक क्या होता है दोस्तों पोलीफेजिया, पोलीयूरिया पोलीडिप्सिया पोलीफेजिया होते हैं, तो तीन साइन हो गए, पोलीयूरिया यूरिन का फॉर्मेशन क्या हो गया दोस्तों ज्यादा हो गया, पोलीडिप्सिया पोलीयूरिया, तो यूरिन क्या हो गया दोस्तों ज्यादा, तो मोर देन 3 लीटर पर डे, या फिर दूसरा आपको बताया था मैंने 40 ml पर केजी पर डे से ज्यादा होना दोस्तों। नेक्स्ट है पोलीडिप्सिया, मोर देन 6 लीटर वाटर ड्रिंकिंग, 6 लीटर वाटर ड्रिंकिंग पर डे, इसको भी परिभाषित कर दिया गया है कि भाई एक दिन के अंदर आपको 6 लीटर से अगर आप ज्यादा पानी पी रहे हो दोस्तों, तो इसे हम किस नाम जानते हैं, पोलीडिप्सिया के नाम से जानते हैं। तो या सीधा ये भी आ जाता है इंक्रीज थ्रस्ट भी लिखा हुआ जाता है, ठीक है, तो वो भी आप कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई पोलीडिप्सिया क्या है। और एक है दोस्तों पोलीफेजिया, एक है पोलीफेजिया, तो इंक्रीज हंगर। एक क्वेश्चन तो क्या बनता है, व्हाट आर द कार्डिनल साइन ऑफ द डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस के मेनली तीन साइन होते हैं दोस्तों, कौन कौन से साइन आते हैं, एक आता है पोलीयूरिया, एक आता है पोलीडिप्सिया और एक क्या आता है दोस्तों पोलीफेजिया। तो सीधा से क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से कार्डिनल साइन इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया के कारण आ रहे हैं, इसलिए उसको डायरेक्टली साइन में इंक्लूड नहीं करेंगे, होता है उसके अंदर साइन, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है हाइपरग्लाइसीमिया, लेकिन उसके कारण क्या होगा, पोलीयूरिया होगा, पोलीडिप्सिया होगा और पोलीफेजिया होगा। तो एक तो क्या हो गया, कौन कौन से तीन कार्डिनल साइन प्रेजेंट होते हैं, तो तीन आपको याद रखने हैं, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया। और मुझे लगता है कि ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको शायद ये चीज रटी हुई नहीं होगी, पहली चीज। लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है, कौन सा ऐसा साइन होता है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, जिसे हम क्या नहीं कर सकते दोस्तों, मेजर नहीं कर सकते, तो वो साइन होता है आपका पोलीफेजिया। वो कौन सा साइन होता है दोस्तों, पोलीफेजिया साइन होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं हट जाया करूंगा, मुझे कुछ बच्चों ने बताया कि सर हम जो नोट्स बनाते हैं ना तो हमें प्रॉब्लम होती है, कोई मैसेजेस आए हैं, तो मैं कोशिश क्या करूंगा, ठीक है, कि मैं थोड़ा सा हट जाया करूं जब आपको मैं बताऊं, तो आप थोड़े से नोट्स लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया और पोलीफेजिया, तो पोलीफेजिया दोस्तों एक ऐसा साइन है जिस साइन को हम मेजर नहीं कर सकते, क्यों, इसको कोई डिफाइन नहीं करे किया गया है। पोलीडिप्सिया को डिफाइन कर लिया गया कि भाई 6 लीटर से ज्यादा अगर आप पानी पी रहे हो तो इसका मतलब आपको क्या है, पोलीडिप्सिया है। एक दिन के अंदर अगर आपको 6 लीटर से भी ज्यादा पानी की प्यास लग रही है दोस्तों, इसका मतलब आपको क्या है, पोलीडिप्सिया है। लेकिन पोलीफेजिया दोस्तों है ना, पोलीफेजिया को डिफाइन नहीं किया गया, ऐसा थोड़ी डिफाइन करेंगे कि भाई आपने 25 रोटी से ज्यादा खा ली तो आपको पोलीफेजिया है, ठीक है, ऐसे थोड़ी डिफाइन करेंगे कि भाई आपने 25 रोटी खा ली तो आपको पोलीफेजिया है, 10 किलो खाना खा लिया आपने तो पोलीफेजिया है, 15 किलो खाना खा लिया, तो वो तो शरीर के अकॉर्डिंग अलग अलग रहता है। खली जो होता है वो 5 लीटर दूध पी जाता है, आप लोग जो मेरे जैसे कोई कमजोर सा आदमी है उसको 1 लीटर भी बहुत ज्यादा लगे,
ठीक है। तो पॉलीफेज एक ऐसा साइन होता है दोस्तों दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, इसे हमें नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते हैं। तो वो कौन सा साइन होता है दोस्तों? पॉलीफेजिया होता है। तो पॉली यूरिया हो गया, पॉलीडिप्सिया हो गया, पॉलीफेजिया हो गया। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। सिंपल सी बात है, क्या पढ़ा है कि मेटाबॉलिज्म में डिसऑर्डर है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट तीनों का है। क्यों है तीनों का, मैंने आपको समझा दिया। और क्या क्या देखने को मिलते हैं? हाइपरग्लाइसेमिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया देखने को मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे इससे। नेक्स्ट जो आता है दोस्तों वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, मैं थोड़ा आपको जल्दी पढ़ाऊंगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन मैं पूरी देने की कोशिश करूंगा और जल्दी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। मैं नहीं चाहता कि डिसऑर्डर 15-20 घंटे का बन जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स आपको इसमें पढ़नी पड़ती हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस का दोस्तों दो प्रकार हम क्लासिफाइड करते हैं। एक हम करते हैं अकॉर्डिंग टू ईटियोलॉजी, ईटियोलॉजी के अकॉर्डिंग, और दूसरा हम करते हैं अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, अमेरिकन जिन्होंने बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन दे रखा है, डायबिटिक एसोसिएशन। ये क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा मैं, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको। ईटियोलॉजी के अकॉर्डिंग हम इसको दो भागों में बांटते हैं डायबिटिक मेलाइटस को, एक प्राइमरी होता है एक सेकेंडरी होता है। एक होता है दोस्तों प्राइमरी और एक होता है दोस्तों सेकेंडरी। चलो इन्हीं को पढ़ते हैं बाद में, फिर वो तो पढ़ना ही है सारे। प्राइमरी क्या होता है दोस्तों कि प्राइमरी जो ऑर्गन है ना वो इफेक्ट होगा, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस दैट अकर ड्यू टू द प्राइमरी ऑर्गन। अब आपको सर प्राइमरी ऑर्गन क्या है, तो दोस्तों आप ये बताओ कि हम अभी तक हमने क्या पढ़ा है, इंसुलिन कहां से सीक्रेट हो रहा है, तो आपको सर पैनक्रियास से। तो अगर डायबिटीज मेलाइटस की जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो मेनली पैनक्रियास के कारण हो, पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर के कारण हो, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम जानते हैं? प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं। जैसे पैनक्रियाटाइटिस के कारण सेल्स डिस्ट्रक्ट होने लग जाए, पैनक्रियाटिक जो कैंसर है उसके कारण होने लग जाए, बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस टाइप फर्स्ट में होता है वो होने लग जाए। तो दोस्तों प्राइमरी कारण मतलब पैनक्रियाज खुद इन्वॉल्व है उसके अंदर, पैनक्रियाज क्या है दोस्तों? खुद इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों? प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटिस के नाम से जानेंगे। सेकेंडरी का मतलब क्या है दोस्तों? पैनक्रियाज को छोड़ दो, पैनक्रियाज को छोड़ दो, और पैनक्रियाज के अलावा अगर और कोई भी ऑर्गन दोस्तों क्या हो रहा है इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, और जिसके कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण डायबिटीज मेलाइटिस हो रहा है, तो उसे हम किस नाम जानेंगे दोस्तों? सेकेंडरी के नाम से जानेंगे। अब आपको सर सेकेंडरी से भी हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर होते हैं। जैसे दोस्तों एक डिसऑर्डर होता है एक्रोमेगली, कई सारे ऐसे दोस्तों बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स हैं जो कि ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते हैं, और एक ही ऐसा हॉर्मोन है जो ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, वो कौन सा है दोस्तों? आपका इंसुलिन। इसलिए ही कम करने वाले हाइपोग्लाइसेमिया का कोई डिसऑर्डर नहीं होता है। जैसे हम पढ़ते हैं शुगर कम करने वाले डिसऑर्डर, हाइपोग्लाइसेमिया एक सिम्टम जरूर है, ठीक है, लेकिन कोई डिसऑर्डर नहीं बनता। लेकिन डायबिटीज मेलाइटस क्या बन गया? एक डिसऑर्डर बन गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों सिर्फ एक ही ऐसा हार्मोन है जो कि ग्लूकोज के लेवल को क्या कर सकता है? कम कर सकता है। अगर उसकी प्रॉब्लम हो गई ना दोस्तों, उस हार्मोन की प्रॉब्लम हो गई, तो क्या होगा दोस्तों? आपको डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा। लेकिन ग्लूकोज को बढ़ाने वाले बहुत सारे हार्मोन है, ठीक है, आप पढ़ते हो गए ग्रोथ हार्मोन है, ये भी बढ़ाता है, ठीक है, कोर्टिकोइड्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनोकोर्टिकोइड्स जो हार्मोन होते हैं दोस्तों ये भी बढ़ाते हैं। तो इसके अलावा थायराइड जो हार्मोन है दोस्तों वो भी इसको क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो ऐसे कई सारे हार्मोन होते हैं जो कि ग्लूकोज के लेवल क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें हाइपोग्लाइसेमिया डायरेक्टली साइन माना जाता है, इंसुलिनोमा होता है। वो क्या होता है दोस्तों? इंसुलिनोमा। भाई इंसुलिन पैनक्रेटिक क्या हो जाता है? ट्यूमर हो जाता है, जिससे क्या होने लग जाए कि इंसुलिन का सीक्रेशन ज्यादा होने लग जाए। तो उसमें भी रीजन तो क्या बना? इंसुलिन ही बना। छोड़ो उसको, सिंपल सा हो। सेकेंडरी मतलब पैनक्रियाज के अलावा अगर कोई और दूसरे डिसऑर्डर इन्वॉल्व है दोस्तों, तो उसे हम किस नाम जानेंगे? उसे हम सेकेंडरी के नाम से जानेंगे, सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानेंगे। जैसे दोस्तों एक्रोमेगेली के कारण हो जाए, ठीक है, या थायराइड जो हार्मोन है उसके इंक्रीज होने के कारण हो जाए, हाइपरथायरॉइडिज्म है उसके कारण हो जाए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों किसके कारण हो जाए? इसके अलावा क्यूसिंग सिंड्रोम है उसके कारण हो जाए। क्यूसिंग सिंड्रोम है उसके कारण हो जाए, जिसे हम एड्रिनल डायबिटीज के नाम से जानते हैं। तो और किसी के कारण अगर डायबिटीज मेलाइटस हो रहा है दोस्तों, तो उसे, ठीक है, इसके अलावा बाहर से आप क्या ले रहे हो दोस्तों? ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज ले रहे हो, ठीक है, ये इसके अलावा स्टीरॉयड ले रहे हो, ज्यादा आप क्या ले रहे हो दोस्तों? स्टीरॉयड ले रहे हो, स्टीरॉयड लेने के कारण भी हो जाए, ठीक है। तो उन सबको हम किस नाम जानेंगे दोस्तों? सेकेंडरी के नाम से जानेंगे। कि पैनक्रियाज के अलावा अगर और कोई रीजन है दोस्तों, तो उसे हम किस नाम जानते हैं? सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस। और अगर पैनक्रियाज के कारण है तो उसे हम प्राइमरी कहेंगे। तो प्राइमरी के अंदर क्या हो जाएंगे दोस्तों? प्राइमरी के अंदर पैनक्रियाज से रिलेटेड डिसऑर्डर, पैनक्रियाटाइटिस आ गया, ठीक है, पैनक्रियाटिक ट्यूमर हो गया, पैनक्रियाटिक जो डिस्ट्रक्शन है बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन होने लग जाए ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के कारण, जो कि टाइप फर्स्ट में होता है।
सेकेंडरी का कारण क्या हो दोस्तों, कि और किसी डिसऑर्डर के कारण और कोई सी ग्लैंड जो है ना दोस्तों वो इसमें क्या हो जाए, इन्वॉल्व हो जाए, या और कोई रीजन जो है वो इन्वॉल्व हो जाए, एक्रोमेगली हो जाए, ठीक है, थायराइड के कारण हो जाए, क्यूशिंग सिंड्रोम के कारण हो जाए, इसके अलावा स्टीरॉइड ज्यादा लेने के कारण हो जाए, बॉडी ज्यादा ग्लूकोज जो है उसका फॉर्मेशन बॉडी के अंदर क्या होने लग जाए दोस्तों, ज्यादा होने लग जाए। तो और कोई रीजन हो, अगर पैनक्रियाज के अलावा और कोई रीजन है तो वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कहलाएगा। बस छोड़ो, सिंपल से एक लाइन क्या पढ़ना है, पैनक्रियाज के कारण हो, प्राइमरी पी फॉर पैनक्रियाज, बस ये ध्यान रखो, पी फॉर पैनक्रियाज, और सेकेंडरी मतलब अदर, और कोई भी बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गन इन्वॉल्व है सेकेंडरी कहलाएगा। अब सबसे मेन ये क्लासिफिकेशन याद करना दोस्तों, बहुत जरूरी है, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का, क्योंकि मेन जो क्लासिफिकेशन है ना दोस्तों वो यही है। तो क्लासिफिकेशन भाई अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, जिसको वर्ल्ड वाइड क्या किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के अकॉर्डिंग एक होता है दोस्तों टाइप फर्स्ट डायबिटिक मेलाइटस, दूसरा होता है दोस्तों टाइप सेकंड डायबिटिक मेलाइटस, तीसरा होता है दोस्तों जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, और फोर्थ जो होता है दोस्तों वो होता है स्पेशल टाइप्स, फोर्थ जो होता है वो क्या होता है, स्पेशल टाइप्स, मतलब और बाकी के जितने भी टाइप्स दोस्तों वो किसमें बांट दिए, स्पेशल टाइप्स में बांट दिए। तो एक हुआ टाइप फर्स्ट, एक हो गया टाइप सेकंड, एक हो गया जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, और एक हो गया स्पेशल टाइप। टाइप फर्स्ट जो होता है दोस्तों इसे हम किस नाम से जानते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इसे हम IDDM के नाम से जानते हैं। अभी इसके बारे में और अच्छे से हम पढ़ेंगे, सिर्फ इतना समझो, इसे हम और किस नाम जानते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस के नाम से भी जानते हैं, NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इसे हम किस नाम जानते हैं, NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है दोस्तों, प्रेगनेंसी के अंदर जो डायबिटीज मेलाइटस होगा उसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानेंगे। कोई भी ऐसी फीमेल जो पहले क्या नहीं थी, डायबिटिक नहीं थी, लेकिन प्रेगनेंसी के कारण उसको क्या हो गया, डायबिटिक सिम्टम आने लग गए, तो उसे हम किस नाम जानेंगे, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानेंगे। इसके बाद आते हैं दोस्तों स्पेसिफिक टाइप या स्पेशल टाइप्स, कुछ अदर्स स्पेसिफिक टाइप्स जो आते हैं वो देखो, इसके अंदर कई सारे आते हैं, मैं नाम लिख देता हूं। पहला MODY, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज, डायबिटीज मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंगर, अच्छे से बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, अभी आप सिर्फ नाम नाम सुन लो। तो पहला क्या हो गया, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंगर, देखो मोदी जी तो यहां भी आ गए, डायबिटीज के अंदर भी आ गए, पूरे देश में छा रहे हैं, MODY हो गया। इसके बाद दोस्तों एक आता है LADA, इसको बोलते हैं लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज ऑफ एडल्ट्स, लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज ऑफ एडल्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड दोस्तों ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज मेलाइटस। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिजीज इंड्यूस्ड डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट आता है दोस्तों इसके अंदर आपका फुल्मिनेंट डायबिटीज मेलाइटस, फुल्मिनेंट डायबिटीज मेलाइटस। एक आता है इसके अंदर दोस्तों आपका ब्रोंज डायबिटीज मेलाइटस, और एक इसके अंदर आता है ट्रांजिएंट डायबिटीज मेलाइटस ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, आपने इतने सारे कभी पढ़े नहीं होंगे मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, आप एक दो पढ़ लेते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब जो डिसऑर्डर लूं, जो भी चीज पढ़ाऊं वो पूरा पढ़ाऊं, आपको ऐसा लगे कि हाँ सर इसके बारे में मुझे कुछ भी पूछो मुझे आता है, ऐसे नहीं होना चाहिए, आपको थोड़ी चीज आती है भूल रहे हो, वो सब छोड़ो। अब हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस की और टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस की। टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट जो डायबिटीज मेलाइटस है दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है,
इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है या सीक्रेशन है दोस्तों, वो क्या हो जाता है, प्रोडक्शन या सीक्रेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इंसुलिन का प्रोडक्शन या सीक्रेशन क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। ठीक है, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होने के कारण जो डायबिटीज मेलिटस होगा उसे हम किस नाम जानते हैं, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलिटस के नाम से जानते हैं। अब उसका कारण जो होते हैं दोस्तों, उसका मेन जो कारण होता है वो क्या होता है कि जो हमारी खुद की जो इम्यूनिटी है दोस्तों, वही क्या काम करने लग जाती है, जो बीटा सेल्स जो होती है दोस्तों, उनका क्या करने लग जाती है, डिस्ट्रैक्ट करने लग जाती है। उसका क्या करने लग जाती है दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन करने लग जाती है, जिसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिस्ट्रैक्शन। ऑटो मतलब खुद की इम्यूनिटी काम कर रही है, तो ऑटो इम्यून डिस्ट्रैक्शन ऑफ बीटा सेल्स। अब इससे क्या होगा दोस्तों, बीटा सेल्स ने क्या काम करने लग गई, बीटा सेल्स क्या होने लगी दोस्तों, हमारी इम्यूनिटी के कारण क्या होने लगी दोस्तों, डिस्ट्रैक्ट होने लग गई। अब इंसुलिन नहीं है, क्या नहीं है दोस्तों, इंसुलिन नहीं है ब्लड के अंदर, इंसुलिन क्या हो गई, कमी हो गई है। तो इसका एक ही ट्रीटमेंट रहेगा कि आप क्या लोगे दोस्तों, इंसुलिन लोगे, क्या लोगे, इंसुलिन लोगे। अगर इंसुलिन नहीं लोगे और आप और कुछ भी ले लो तो कोई फायदा नहीं है, आप कोई ड्रग ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम इसे और किस नाम से जानते हैं, IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस के नाम से भी जानते हैं, कि एक ऐसा डायबिटीज मेलिटस जो सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा ट्रीट किया जा सकता है, इंसुलिन के द्वारा ट्रीट किया जा सकता है। अगर आपने इंसुलिन नहीं लिया तो दोस्तों ये डायबिटीज मेलिटस क्या नहीं हो सकता, ट्रीट नहीं हो सकता। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस के नाम से जानेंगे। इसे हम किस नाम जानेंगे, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस के नाम से हम इसे जानेंगे। इसके बाद दोस्तों सेकंड आता है टाइप सेकंड, और डिटेल में पढ़ाऊंगा इसकी जो एटियोलॉजी है वो हम आगे और पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको ऊपर सरफेसली बता रहा हूं। टाइप सेकंड जो होता है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन लास्ट लेटर स्टेज के अंदर कम होता है, लेकिन मेनली क्या होता है दोस्तों, इंसुलिन का रेसिस्टेंस हो जाता है। इंसुलिन का क्या हो जाता है दोस्तों, रेसिस्टेंस हो जाता है। अब इंसुलिन का रेसिस्टेंस होने का मतलब क्या है दोस्तों, कोई भी जो हॉर्मोन है ना उसे काम करने के लिए रिसेप्टर से जुड़ना पड़ता है, और वो हॉर्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इंसुलिन को अगर काम करना है ना, जैसे ये है मान लो इंसुलिन, ठीक है दोस्तों, और ये इस इंसुलिन का क्या है दोस्तों, रिसेप्टर है। इंसुलिन डायरेक्टली इस फॉर्म के अंदर काम नहीं कर सकता, अगर इंसुलिन को काम करना है तो जाकर के इस रिसेप्टर से जुड़ना पड़ेगा। इस रिसेप्टर से इंसुलिन को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जुड़ना पड़ेगा। जब इंसुलिन इस रिसेप्टर से जुड़ जाएगा तो जुड़ने के बाद क्या कर सकता है, अपना एक्शन क्या कर सकता है दोस्तों, परफॉर्म कर सकता है। तो क्या हो, क्या तो इन रिसेप्टर्स की संख्या कम होने लग जाए, ठीक है, या फिर जो हार्मोन रिसेप्टर जो कॉम्प्लेक्स है, मतलब इंसुलिन जो रिसेप्टर जुड़कर जो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो नहीं बन पाए। तो दोस्तों क्या होगा इसके कारण, भाई इंसुलिन होने के बावजूद भी इंसुलिन क्या नहीं कर रहा दोस्तों, काम नहीं कर रहा। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, इंसुलिन रेसिस्टेंस के नाम से जानेंगे। इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, इंसुलिन रेसिस्टेंस के नाम से जानेंगे, कि भाई इंसुलिन की क्या हो गया, इंसुलिन होने के बावजूद भी इंसुलिन क्या नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, फंक्शन नहीं कर रहा। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, कि इसमें क्या हो गया दोस्तों, इंसुलिन क्या हो गया, रेसिस्टेंस हो गया। इसलिए क्या होगा, इसके अंदर इंसुलिन तो है लेकिन इंसुलिन काम नहीं कर रहा, तो हम क्या देंगे दोस्तों, ड्रग्स देंगे। क्या देंगे, ड्रग्स देंगे, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देंगे। ओरल क्या देंगे, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देंगे, और ये ड्रग्स क्या काम करेंगे दोस्तों, इस इंसुलिन की सेंसिटिविटी को क्या करेंगे दोस्तों, बढ़ाएंगे, ताकि इंसुलिन क्या करे, काम करे। इंसुलिन क्या करे दोस्तों, काम करे। इसलिए इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसमें इंसुलिन की जरूरत नहीं है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस कहेंगे, कि भाई आप इंसुलिन की जरूरत नहीं है, आपको क्या देना है इसके अंदर, आपको ड्रग्स देनी है। क्या देनी है, ड्रग्स देनी है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देने हैं। तो इसलिए हम इसे किस नाम जानते हैं, NIDDM के नाम से जानते हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चे हैं दोस्तों, उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, वो क्वेश्चन ये आ रहे हैं दोस्तों, ऐसी कौन सी बात है सर, आप कह रहे इंसुलिन देते ही नहीं है, हम तो हॉस्पिटल में लगाते हैं, जो भी पेशेंट आता है जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, हम तो उनके इंसुलिन लगाते हैं, सर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं इंसुलिन नहीं है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में सारा डिटेल में बताऊंगा, कि ये जो बात जो यहां पर होती है ना, कि नो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, ये प्राइमरी स्टेज की बात होती है, एडवांस स्टेज की नहीं होती है। ठीक है, अभी जब मैं आपको इटियोलॉजी पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इसके बारे में और अच्छे से इसके बारे में आपको क्या होगा दोस्तों, समझाऊंगा कि ये कैसे होता है, थोड़ा सा इसके बारे में अभी बात करेंगे। तो सिर्फ आप इतना समझो, अभी क्या हुआ कि भाई नॉन इंसुलिन क्या है दोस्तों, ये डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस है। इंसुलिन की क्या है दोस्तों, इसके अंदर जो इंसुलिन है दोस्तों उसकी क्या है, इसके अंदर जरूरत नहीं है, ड्रग्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए हम इसे किस नाम जानते हैं दोस्तों, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस के नाम से हम इसे जानते हैं। अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि पहले एक बार मैं सारी टाइप बताऊंगा, फिर मैं वापस से आपको टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड लेके आऊंगा, और फिर उनके बारे में और अच्छे से बताऊंगा, फिर मैं समझाऊंगा आपको कि इंसुलिन की जरूरत यहां भी पड़ सकती है, इंसुलिन की जरूरत यहां भी क्या हो सकती है दोस्तों, पड़ सकती है, वो हम बाद में बात करेंगे। बस अभी तो इतना समझो कि इंसुलिन का प्रोडक्शन या सीक्रेशन कम हुआ, टाइप फर्स्ट कहलाएगा। क्यों कम हुआ, क्योंकि ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन हो गया बीटा सेल्स का। यहां पर क्या हुआ दोस्तों, इंसुलिन का क्या हो गया दोस्तों, रेसिस्टेंस हो गया, इंसुलिन काम नहीं कर रहा। तो इसे हम किस नाम जानेंगे, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस के नाम से जानेंगे, और इसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस के नाम से जानते हैं। तो शुरू के दो टाइप हो गए। नेक्स्ट,
नेक्स्ट दोस्तों जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, थर्ड जो है इसके अंदर वो क्या आता है, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस आता है। चलो उस बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है। जेस्टेशनल का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो रहा है दोस्तों, डायबिटीज मेलाइटस हो रहा है। इसका मतलब क्या समझे आप, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप ये सोचो कि कोई फीमेल पहले से डायबिटिक है और वो प्रेग्नेंट हो गई और आप उसे जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस कहोगे, नहीं, दैट विल बी नोन एज ओवर्ट डायबिटीज मेलाइटस है दोस्तों। वो उसको पहले से प्रेजेंट है। जिस लेडी के अंदर अगर पहले से डायबिटीज मेलाइटस है ना दोस्तों, तो उसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस नहीं कहेंगे, ध्यान रखना। तो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस की क्या शर्त है कि जो फीमेल है वो नॉर्मोग्लाइसेमिक होनी चाहिए, मतलब उसका ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है ना दोस्तों, वो प्री प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर, प्री प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर वो फीमेल क्या होनी चाहिए दोस्तों, नॉर्मोग्लाइसेमिक होनी चाहिए। प्री प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर वो फीमेल क्या होनी चाहिए, नॉर्मोग्लाइसेमिक होनी चाहिए, मतलब कि उसका ग्लूकोज लेवल क्या होना चाहिए दोस्तों, कम होना चाहिए। लेकिन प्रेग्नेंसी के हॉर्मोन्स के कारण, प्रेग्नेंसी के दोस्तों हॉर्मोन्स के कारण उस फीमेल को क्या हो गया हो, जो ग्लूकोज का लेवल है वो बिगड़ गया हो या फिर उसको डायबिटीज मेलाइटस हो गई हो। तो प्रेगनेंसी के इफेक्ट के कारण अगर किसी भी फीमेल को, प्रेग्नेंट लेडी को अगर डायबिटीज मेलाइटस होता है दोस्तों, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कौन सा ऐसा हॉर्मोन होता है जो मेनली इसके लिए जिम्मेदार होता है, तो HPL ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन जो हॉर्मोन होता है दोस्तों, HPL जो होता है वो भी क्या काम करवाता है, इंसुलिन का रेसिस्टेंस करवाता है। वो क्या काम करवाता है दोस्तों, इंसुलिन का क्या करवाता है दोस्तों, रेसिस्टेंस करवाता है। क्यों करवाता है, आप ओबीसी में मैंने आपको अच्छे से इसके बारे में पढ़ा रखा है, लेकिन फिर भी सुनो कि इंसुलिन रेसिस्टेंस कैसे करवाता है दोस्तों, कि ताकि जो बेबी है ना उसको ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, ग्लूकोज मिले। क्यों, अब मदर के पास बेबी भी है और वो ग्लूकोज अगर इंसुलिन ग्लाइकोजन में चेंज हो गया तो ग्लाइकोजन स्टोर हो रहा है दोस्तों मदर के अंदर, तो बेबी को ग्लूकोज कहां से मिलेगा। तो ये HPL क्या काम कर देता है, इंसुलिन का रेसिस्टेंस करवा देता है, ताकि मदर के ब्लड के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट क्या हो जाए दोस्तों, बढ़ जाए। और जो ज्यादा ग्लूकोज की अमाउंट अगर बढ़ जाएगी तो बेबी तक वो पहुंचेगी और बेबी उस ग्लूकोज एनर्जी के रूप में क्या करेगा दोस्तों, यूज करेगा। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है। लेकिन बहुत ज्यादा अगर रेसिस्टेंस हो जाए, अगर होना चाहिए, ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल, लेकिन अगर एक लिमिट से दोस्तों ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या कोज कर देगा, डायबिटीज मेलाइटस कोज कर देगा। तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानेंगे। एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि कौन से ट्राइमेस्टर के अंदर ये मेनली होता है, तो एक क्वेश्चन यहां से देखो, सेकंड और जो थर्ड ट्राइमेस्टर उसमें मेनली होता है। इन दोनों में भी पूछा कि मेनली किस में होता है, तो इसका आंसर होगा थर्ड ट्राइमेस्टर। इसके जो मेनली जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं दोस्तों, वो कौन से ट्राइमेस्टर के अंदर दिखाई देते हैं, सेकंड और थर्ड में दिखाई देते हैं, और सेकंड और थर्ड में भी मोस्टली किस में दिखाई देते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर दिखाई देते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि इसका स्क्रीनिंग टेस्ट कब करते हैं, बेस्ट टाइम कब है, तो 24 से 28 वीक के ऊपर करते हैं। कब करते हैं, 24 से और 28 वीक के ऊपर करते हैं। तो सिंपल से वर्ड में दोबारा से समझो, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस क्या है, एक ऐसा डायबिटीज मेलाइटस जो एक ऐसी लेडी के अंदर हुआ है जो कि प्रेगनेंसी से पहले डायबिटिक नहीं थी और प्रेगनेंसी के हॉर्मोन के इफेक्ट के कारण उसको क्या हो गया है, डायबिटीज मेलाइटस हो गया है। तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानेंगे। उसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के नाम से हम उसे जानेंगे। तो ये हो गया आपका जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया किस किस के बारे में, हमने टाइप फर्स्ट के बारे में बात की, हाँ जी बोर्ड थोड़ा कम काम कर रहा है, टाइप फर्स्ट के बारे में बात की, टाइप सेकंड के बारे में बात की और जेस्टेशनल के बारे में। अब सबसे बड़ा स्पेशल टाइप्स, इनके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। स्पेशल टाइप के अंदर सबसे पहला आता है MODY, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंगर, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंगर। यंगर का मतलब क्या होता है दोस्तों, जवान, ठीक है, यंगर का मतलब क्या होता है दोस्तों, जवान। एक्चुअली में टाइप फर्स्ट जो डायबिटीज मेलाइटस है ना दोस्तों, वो किसमें पाया जाता है, यंगर लोगों में पाया जाता है, ठीक है। टाइप फर्स्ट जो डायबिटीज मेलाइटस है, समझो एक बार, टाइप फर्स्ट जो डायबिटीज मेलाइटस है, इधर है टाइप सेकेंड, टाइप फर्स्ट जो डायबिटीज मेलाइटस है मेनली वो यंगर में पाया जाता है। इसकी कोई एज डिफाइन नहीं की गई है, हर बुक में आपको अलग अलग मिलेगा, किसी में 25 मिल जाएगा, किसी में 30 मिल जाएगा, किसी में 40, मैक्सिमम 40। तो टाइप फर्स्ट ज्यादातर किसमें होते हैं, 40 साल से कम एज के लोगों में पाई जाती है, जबकि टाइप सेकंड जो होता है ना दोस्तों, वो मोर देन 40 ईयर के जो लोग होते हैं उनके अंदर पाई जाती है, ठीक है, सिंपल सी बात समझो। अब एक जी इसके अलावा सुनो, टाइप सेकंड जो डायबिटीज मेलाइटस है दोस्तों, ये पॉलीजेनिक डिसऑर्डर है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीजेनिक, पूछ लेते हैं।
टाइप सेकंड जो डायबिटीज मेलिटस वो कैसा डिसऑर्डर है दोस्तों, पॉलीजेनिक डिसऑर्डर है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे तो और समझा दूंगा, लेकिन यहां पर मुझे ये समझाने के लिए थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताना पड़ रहा है। मतलब कि कोई ऐसा डिसऑर्डर जिसके अंदर एक से ज्यादा जीन क्या हो जाए दोस्तों, अफेक्टेड हो जाए, उसे हम किस नाम जानते हैं, पॉलीजेनिक के नाम से जानते हैं। टाइप सेकंड के अंदर लगभग है ना 25 जीन अफेक्टेड होते हैं, 25 से भी ज्यादा जो जीन है वो क्या हो जाते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं। तो इसलिए हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, पॉलीजेनिक के नाम से जानते हैं। आप सुनो, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ जो यंगर होता है ना दोस्तों, वो मेनली यंगर लोगों में होता है। किसमें होता है दोस्तों, यंगर लोगों के अंदर होता है। मतलब कि अब यंगर होने में होना क्या चाहिए, यंगर लोगों में टाइप फर्स्ट होना चाहिए, लेकिन MODY क्या होता है दोस्तों, ये जवान लोगों के अंदर, यंगर लोगों के अंदर मैच्योरिटी ऑनसेट वाला डायबिटीज आना। अब मैच्योरिटी ऑनसेट वाला डायबिटीज कौन सा है, टाइप सेकंड के अंदर क्या पाया जाता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस पाया जाता है। और टाइप फर्स्ट के अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों, बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन पाया जाता है। टाइप फर्स्ट के अंदर बीटा सेल का क्या पाया जाता है, डिस्ट्रक्शन पाया जाता है, कि बीटा सेल डिस्ट्रक्ट हो जाती है, जो इंसुलिन बना रही है वही क्या हो गई है, डिस्ट्रक्ट हो गई है। जबकि टाइप सेकंड के अंदर रेसिस्टेंस। तो दोस्तों अगर यंगर लोगों के अंदर, किसके अंदर, यंगर लोगों के अंदर, जवान लोगों के अंदर, यंगर लोगों के अंदर मतलब कि 40 साल से कम लोगों के अंदर अगर टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस के सिम्टम आ जाए, किसके सिम्टम आ जाए, टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस के सिम्टम आ जाए, या फिर इंसुलिन रेसिस्टेंस के सिम्टम आए, किसके आए, इंसुलिन रेसिस्टेंस के। क्यों, क्योंकि यंगर लोगों के अंदर तो कौन सा होता है, इंसुलिन का जो बीटा सेल डिस्ट्रक्ट होती है, टाइप फर्स्ट होता है मेनली। लेकिन दोस्तों यंगर लोगों के अंदर अगर टाइप सेकंड के सिम्टम आ जाए, किसके कारण, एक जीन के कारण, ठीक है, टाइप सेकंड तो किसके कारण होता है, पॉलीजेनिक होता है, एक जीन के कारण आ रहे हैं ये, किसके कारण आ रहे हैं, एक जीन के कारण आ रहे हैं दोस्तों। और वो जीन है ना, उसका नाम ही क्या है, MODY जीन है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, जीन के कारण होना चाहिए, जीन अफेक्टेड होना चाहिए, और कोई रीजन है तो नहीं कहलाएगा, किसके कारण होना चाहिए, जीन के कारण होना चाहिए। तो ये जीन के कारण हो रहा है दोस्तों, तो इसे हम किस नाम जानेंगे, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंगर। देखो इसके नाम में ही है, आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैच्योरिटी ऑनसेट मतलब कि एक ऐसा डायबिटीज मेलाइटस दोस्तों जो मैच्योर लोगों में हो रहा है, लेकिन वो हो किस में गया, यंगर में, वो हो किस में गया दोस्तों, यंगर में, जवान लोगों में हो गया, तो उसे हम किस नाम जानेंगे, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंगर के नाम से जानेंगे, ठीक है, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंगर के नाम से हम जानेंगे। कि एक ऐसा डायबिटीज मेलाइटस जो कि होना किसके अंदर चाहिए दोस्तों, मैच्योर लोगों में होना चाहिए, 40 साल से ज्यादा लोगों में होना चाहिए, टाइप सेकंड, लेकिन उसके जो सिम्टम्स जो आ रहे हैं दोस्तों, टाइप सेकंड के सिम्टम्स यंगर में आने लग जाए, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, MODY के नाम से जानेंगे, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंगर। दूसरा चीज, कौन सा जीन इफेक्ट होता है, एक्चुअली में टाइप सेकंड में तो होने कितने चाहिए, बहुत सारे जीन इफेक्ट होने चाहिए, मैंने आपको ये बताया, लेकिन दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे जीन इफेक्ट नहीं होकर सिंगल एक जीन इफेक्ट होता है, उस जीन का नाम क्या है दोस्तों, MODY जीन है। उस जीन का भी क्या नाम है दोस्तों, MODY जीन है। तो MODY जीन के इफेक्ट होने के कारण जवान लोगों में, ठीक है, यंगर लोगों के अंदर, एडल्ट वाले जो लोग हैं, मतलब जो 40 साल से ज्यादा वाले जो लोग हैं, उन वाले क्या आने लग जाए दोस्तों, सिम्टम आने लग जाए, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, MODY के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम जानते हैं, MODY के नाम से जानते हैं, ठीक है, बस इतना पढ़ लो, बहुत सारा है। इस पर नेक्स्ट LADA, बिल्कुल जस्ट इसका ऑपोजिट, जस्ट इसका क्या है दोस्तों, ऑपोजिट है। मैंने आपको बताया था कि टाइप फर्स्ट जो होता है ना, उसके अंदर ऑटो इम्यूनिटी काम करती है, उसके अंदर क्या काम करती है, ऑटो इम्यूनिटी काम करती है। तो ऑटो इम्यून डायबिटीज क्या होना, ऑटो इम्यून डायबिटीज होना किसके अंदर, एडल्ट्स के अंदर। जबकि हमने एडल्ट्स में क्या पढ़ा है दोस्तों, एडल्ट्स के अंदर आपने क्या पढ़ा है, कि एडल्ट्स के अंदर मेनली जो ज्यादा एज वाले जो होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, टाइप सेकंड। और टाइप सेकंड के अंदर मैंने आपको ऑटो इम्यून रीजन नहीं बताया, टाइप सेकंड में क्या बताया था, इंसुलिन का क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। टाइप सेकंड के अंदर क्या होता है दोस्तों, इंसुलिन का रेसिस्टेंस होता है। लेकिन एडल्ट लोगों के अंदर 40 साल से ज्यादा वाले जो लोग हैं दोस्तों, उनके अंदर क्या होने लग जाए, जो पैनक्रियाज की बीटा सेल्स होती हैं दोस्तों, उनका क्या होने लग जाए, इम्यूनिटी के द्वारा क्या होने लग जाए, डिस्ट्रक्शन होने लग जाए। ऑटो इम्यून क्या होने लग जाए दोस्तों, डिस्ट्रक्शन होने लग जाए। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, LADA के नाम से जानेंगे, लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज ऑफ एडल्ट के नाम से इसे जानेंगे, लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज ऑफ एडल्ट के नाम से जानेंगे। बताओ एल इसमें कौन सी आपको पढ़नी है, सिंपल सा बस लास्ट वाला याद रखना, ठीक है, कि भाई ये किसके अंदर है, लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज किसमें हो रहा है, एडल्ट में हो रहा है, और इसमें यंगर में हो रहा है, बस इतना समझना। अब उल्टा अब उसको जो डेफिनेशन है वो आप खुद बना सकते हो, कि भाई एडल्ट के अंदर होता कौन सा है दोस्तों, टाइप सेकंड होता है, लेकिन एडल्ट के अंदर टाइप सेकंड की जगह कौन सा हो जाए, टाइप फर्स्ट हो जाए, टाइप फर्स्ट वाले सिम्टम आने लग जाए, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होने लग जाए, तो इसे हम लाडा बोलेंगे। तो बस बिल्कुल सिंपल सी बात है, इधर देखो MODY और इधर लिख लो LADA, ठीक है। तो ये किसके अंदर होता है, ये यंगर में होता है, ये किसके अंदर होता है दोस्तों, एडल्ट्स में होता है मेनली, मतलब
समझने के लिए समझो 40 साल से ज्यादा, और ये समझो 40 साल से कम। कुछ बुक्स में आपको 25 भी मिलेगा, कंफ्यूज मत होना, मैं मैक्सिमम लिमिट ले रहा हूं ये, ठीक है। अब दूसरी बात, यंगर है तो उनके अंदर होना कौन सा चाहिए, टाइप फर्स्ट होना चाहिए, लेकिन इनके अंदर कौन से सिम्टम्स आते हैं, तो बस सीधा लिख लो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ टाइप सेकेंड, बस इसमें लिख लो एडल्ट्स हैं लेकिन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन किसके आ रहे हैं, एटियोलॉजी जो कोज है वो किसका आ रहा है, टाइप फर्स्ट, बस ब्रैकेट में लिख लो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन जो कि टाइप फर्स्ट में होता है। अब समझ गए होगे, ज्यादा टफ है नहीं ये, ठीक है। तो MODY और LADA यही है, आप बहुत ऐसे नाम पढ़ते हो कि है क्या ये, तो ये सिंपल सी चीज है कि जिस एज में होना चाहिए था उस एज में नहीं हुआ, जस्ट उसके ऑपोजिट में हो गया, वही क्या कहलाता है, डिसऑर्डर बन गया, बस इतना पढ़ लिया बहुत। नेक्स्ट आ जाओ, बस अब ज्यादा टफ नहीं है। ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज मेलाइटस, दोस्तों अगर सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स के यूज के कारण अगर डायबिटीज मेलाइटस हो रहा है दोस्तों, तो इसे हम किस नाम जानेंगे, ड्रग इंड्यूस्ड के नाम से जानेंगे। जैसे आप स्टीरॉइड्स ले रहे हो तो स्टीरॉइड्स ग्लूकोज के लेवल को क्या करती है दोस्तों, बढ़ाती है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स आती है जैसे बीटा ब्लॉकर्स आती है वो भी बढ़ाती है, ठीक है। जैसे डायूरेटिक्स है, थायराइड डायूरेटिक्स है, तो अगर ड्रग्स के यूज के कारण दोस्तों डायबिटीज मेलाइटस हो रहा है तो इसे हम किस नाम जानेंगे, ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानेंगे। उसे हम किस नाम जानेंगे, ड्रग इंड्यूस्ड, ऐसा डायबिटीज मेलाइटस जो ड्रग्स के कारण हुआ है उसे हम किस नाम जानेंगे दोस्तों, ड्रग इंड्यूस्ड। डिजीज इंड्यूस्ड डायबिटीज मेलाइटस जो है वो सेम है टाइप सेकंड, जो सॉरी सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस, मैंने शुरू में आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया था प्राइमरी और सेकेंडरी, उसमें पढ़ाया था मैंने दूसरे डिजीज के कारण होना, जैसे दूसरी डिजीज का कारण किसके कारण, जैसे क्यूसिन सिंड्रोम है उसके कारण हो गया आपको, ठीक है। इसके अलावा किसके कारण हो गया दोस्तों, एक्रोमेगली है उसके कारण हो गया, जिजेंटिज्म के कारण हो गया, एक्रोमेगली के कारण हो गया, ठीक है, जिजेंटिज्म के कारण हो गया। तो अगर किसी डिजीज के कारण दोस्तों क्या हो रहा है, दूसरी किसी डिजीज के कारण डायबिटीज मेलाइटस हो रहा है, उसे हम किस नाम जानेंगे, डिजीज इंड्यूस्ड डायबिटीज मेलाइटस के नाम से उसे जानेंगे, उसे हम किस नाम जानेंगे, डिजीज इंड्यूस्ड डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानेंगे। फुलमिनेंट, बस एक वर्ड याद रखो, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फुलमिनेंट जो वर्ड है एक्चुअली में जापान में यूज किया गया था इस वर्ड का, और फुलमिनेंट जो वर्ड है दोस्तों उसका मतलब होता है वायरस। अगर डायबिटीज मेलाइटस दोस्तों वायरस के कारण हो जाए, ठीक है, किसके कारण हो जाए दोस्तों, वायरस के कारण हो जाए, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, फुलमिनेंट डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं। अगर वायरस के कारण क्या हो रहा है दोस्तों, डायबिटीज मेलाइटस हो रहा है, कई सारे वायरस होते हैं, कोक्सैकी वायरस होता है मोस्ट कॉमन, ठीक है, साइटोमेगाली वायरस होता है, मम्स होता है, रूबेला होता है, ये डायबिटीज मेलाइटस क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो अगर वायरस के कारण, अगर इटियोलॉजी जो है दोस्तों वो वायरस है, तो इसे हम किस नाम जानेंगे, फुलमिनेंट डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानेंगे। इसके बाद दोस्तों ब्रोंज डायबिटीज मेलाइटस, ब्रोंज डायबिटीज मेलाइटस का एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि भाई ब्रोंज डायबिटीज मेलाइटस होने का रीजन क्या होता है, ये बता दो बस आप। तो उसका रीजन जो होता है दोस्तों, दैट इज आयरन टॉक्सिसिटी। जिस पर्सन के अंदर दोस्तों आयरन की टॉक्सिसिटी हो जाती है ना, उसके अंदर क्या हो जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, और उसकी जो स्किन है ना वो कैसे कलर की हो जाती है, ब्रोंज कलर की हो जाती है। हाइपर पिगमेंटेशन के कारण उसकी स्किन किस कलर की हो जाती है, ब्रोंज कलर की हो जाती है, और उसके साथ में उसके अंदर हाइपरग्लाइसेमिया, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, ये सिम्टम में साथ में क्या हो जाते हैं, अपियर हो जाते हैं। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, ब्रोंज डायबिटीज मेलाइटिस के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम जानते हैं, ब्रोंज डायबिटीज मेलाइटिस के नाम से जानते हैं। तो सिंपल सा क्या कहोगे कि डायबिटीज मेलाइटस दैट अकर्स ड्यू टू द आयरन टॉक्सिसिटी, एक ऐसा डायबिटीज मेलाइटस जो आयरन टॉक्सिसिटी के कारण होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, ब्रोंज डायबिटीज मेलाइटस के कारण जानते हैं, जिसके अंदर हाइपर पिगमेंटेशन होता है, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया और हाइपरग्लाइसेमिया के सिम्टम देखने को मिलते हैं, उसे हम किस नाम जानते हैं, ब्रोंज डायबिटीज मेलाइटस। इसके बाद ट्रांजिएंट डायबिटीज मेलाइटस ऑफ द न्यूबॉर्न, इसके बाद क्या है दोस्तों, ट्रांजिएंट डायबिटीज मेलाइटस ऑफ द न्यूबॉर्न, कि न्यूबॉर्न के अंदर जो डायबिटीज मेलाइटस है वो होना। अब समझा देता हूं थोड़ा सा, ट्रांजिएंट डायबिटीज मेलाइटस न्यूबॉर्न क्या होता है दोस्तों, ट्रांजिएंट कुछ समय के लिए होना। एक्चुअली में क्या होता है कि जब बेबी, जब कई बच्चों में क्या होता है कि जब वो जन्म लेते हैं ना, तो उनके कुछ समय के लिए मतलब 10 से 15 दिन के लिए ऐसा लगेगा कि जैसे उनको ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है और उनको क्या है, डायबिटीज मेलाइटस है। लेकिन जैसे ही वो एक महीने से ज्यादा का होगा तो वापस उसके सारे सिम्टम्स क्या आने लग जाए दोस्तों, नॉर्मल आने लग जाए, ठीक है, और वो डायबिटिक नहीं रहे। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, ट्रांजिएंट डायबिटीज मेलाइटस ऑफ न्यूबॉर्न के नाम से जानते हैं, ठीक है। भाई न्यूबॉर्न के अंदर कुछ समय के लिए क्या होना, डायबिटीज मेलाइटस होना, इसे हम किस नाम जानते हैं, ट्रांजिएंट डायबिटीज मेलाइटस ऑफ न्यूबॉर्न के नाम से जानते हैं। सारे टाइप हो गए, एक बार जल्दी जल्दी सी एक बार इनको रिवाइज करा देता हूं, मैं नहीं चाहता कि आप कुछ भी बोलो, बस मेरे साथ आप पढ़ रहे हो तो याद रखो चीजों को, ठीक है, सिर्फ रटना नहीं है। देखो हमने पढ़ा टाइप फर्स्ट, टाइप सबसे पहले हमने प्राइमरी सेकेंडरी पढ़ा, प्राइमरी पैनक्रियाज के कारण, सेकेंडरी जो है किसी के कारण, बस छोड़ो और किसी के कारण,
इसके बाद अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का पढ़ा हमने, आज ये बोर्ड बड़ा दुखी कर रहा है। टाइप फर्स्ट जो है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है, टाइप सेकंड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस हो गया, सब एक ही बार बता दिया। प्रेगनेंसी के अंदर जो होता है वो जेस्टेशनल होता है, और जो स्पेसिफिक टाइप है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। स्पेसिफिक में हमने पढ़ा, पहला कौन सा पढ़ा, MODY पढ़ी, यंगर के अंदर होता है, टाइप सेकंड वाले सिम्टम आने लग जाए यंगर के अंदर तो वो मोडी कहलाएगा, और लाडा जस्टिस का क्या हो जाएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट, वो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। लाडा के अंदर क्या होगा, एडल्ट के अंदर होगा क्या ये, ठीक है, एडल्ट के अंदर होगा, और ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसे हम किस नाम जानते हैं, LADA के नाम से हम इसे जानते हैं, ये मैंने बता दिया था आपको, अच्छे से समझा दिया था। अब इनको सुनो, किसी भी ड्रग्स के यूज के कारण होता है, ड्रग इंड्यूस्ड कहलाएगा, किसी भी डिजीज के कारण होता है, डिजीज इंड्यूस्ड कहलाएगा, वायरस के कारण होता है, फुलमिनेंट कहलाएगा, आयरन की टॉक्सिसिटी के कारण होता है दोस्तों, वो ब्रोंज डायबिटीज मेलाइटस कहलाएगा, और बच्चों में कुछ समय के लिए, न्यूबॉर्न के अंदर अगर कुछ समय के लिए होता है तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, ट्रांजिएंट डायबिटीज मेलाइटस, ट्रांजिएंट डायबिटीज मेलाइटस ऑफ न्यूबॉर्न के नाम से हम इसे जानेंगे। तो ये सारे क्या हो गए दोस्तों, इसके टाइप हो गए। अब हम पढ़ते हैं टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड जो डायबिटीज मेलाइटस है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो एक बार मैं पानी पी लेता हूं, फिर दोबारा से हम पढ़ते हैं। तो ये हमारे टाइप्स हो गए डायबिटीज मेलाइटस के, अब हम आगे पढ़ते हैं। हम टाइप फर्स्ट और जो टाइप सेकंड दोस्तों वही हमें पढ़ना है, बाकी जो डायबिटीज मेलाइटस है वो हमें नहीं पढ़ने। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम एटियोलॉजी लिख लो आप, एटियोलॉजी ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, इससे मैं आपको पूरा समझा दूंगा डायबिटीज मेलाइटस टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के बारे में। तो सबसे पहले लिखो टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट जो डायबिटीज मेलाइटस है दोस्तों, इसके मेनली दो ही मेन रीजन माने गए हैं। सबसे पहला तो है ही, एक रिस्क फैक्टर माना गया है, एक रीजन माना गया है, ऑटो इम्यून डेस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल, ऑटो इम्यून डेस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल। और दूसरा जो रीजन माना गया है वो माना गया है आपका वायरल इंफेक्शंस, वायरस के कारण भी हो सकता है दोस्तों, ये वायरस एक्चुअली में खुद करते नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं, बढ़ावा देते हैं, बढ़ा देते हैं किसको, ऑटो इम्यूनिटी को, कि भाई ऑटो इम्यूनिटी के कारण बीटा सेल का क्या होने लग जाए, डिस्ट्रक्शन होने लग जाए। पहला समझते हैं ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल। ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल का मीनिंग क्या है दोस्तों, कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो हमारे ही खिलाफ क्या करने लग जाए दोस्तों, काम करने लग जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल। मतलब पैनक्रियाज जो उसकी बीटा सेल क्या सीक्रेट करती है, इंसुलिन सीक्रेट करती है, तो हमारी जो टी सेल्स जो होती है ना दोस्तों वो क्या काम करती है, ठीक है, जो हमारी टी सेल्स जो होती है दोस्तों वो क्या काम करती हैं, कि वो टी सेल्स जो बीटा सेल्स हैं दोस्तों उनके ऊपर उनका क्या करने लग जाती है, डिस्ट्रक्शन करने लग जाती हैं, कुछ केमिकल्स क्या करेंगी, रिलीज करेंगी, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज कर रही हैं, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड केमिकल क्या करेगा दोस्तों, इन बीटा सेल्स को क्या कर देगा, डिस्ट्रैक्ट कर देगा, तो बीटा सेल्स का क्या होने लग जाएगा, डिस्ट्रक्शन होने लग जाएगा। और जो बीटा सेल्स दोस्तों इंसुलिन बना रही है वही सेल्स क्या होने लग गई, डिस्ट्रक्ट होने लग गई, तो क्या होने लग जाएगा दोस्तों, इंसुलिन की कमी हो जाएगी, इंसुलिन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। और जब इंसुलिन कम होगा तो ग्लूकोज का लेवल क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा, हाइपरग्लाइसेमिया होगा, और हाइपरग्लाइसेमिया होगा तो उसके कारण जो कार्डिनल जो सिम्टम है, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया और पोलीफेजिया जो है दोस्तों वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। कई बार एक क्वेश्चन हो जाता है कि इसके अंदर हाइपर सेंसिटिविटी कौन से टाइप की होती है, टाइप फर्स्ट के अंदर ध्यान रखना चार प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी होती है, तो उसमें टाइप फोर जो हाइपर सेंसिटिविटी है दोस्तों वो देखने को मिलती है, टाइप फोर हाइपर जो सेंसिटिविटी है, क्योंकि हमारी बॉडी खुद के खिलाफ काम कर रही है, तो हाइपर सेंसिटिविटी की कंडीशन हो जाती है। और कौन से प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस या टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस के अंदर दोस्तों वो देखने को मिलती है आपकी टाइप फोर हाइपर सेंसिटिविटी। तो हमारी सेल है हमारे को बचानी चाहिए लेकिन हमारे खिलाफ ही काम कर रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून, तो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होने लग जाते हैं दोस्तों, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होने लग जाते हैं, तो इसे हम किस नाम जानते हैं, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल, ज्यादा बताने की जरूरत आपको है नहीं। दूसरा है दोस्तों वायरल इन्फेक्शन, कुछ जो वायरस होते हैं दोस्तों उनका इन्फेक्शन हो जाता है तो उस दौरान चांसेस जो होते हैं दोस्तों वो बढ़ जाते हैं, वायरल इन्फेक्शन में क्या हो जाते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो मेनली इसको क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं, तो उनके एक दो का नाम भी याद रख लो, जैसे एक कोक्सैकी वायरस होता है दोस्तों, कोक्सैकी वायरस जो होता है मोस्ट कॉमन वायरस होता है जो कि डायबिटीज मेलाइटस को क्या करता है, मोस्ट कॉमन वायरस होता है जो कि SACKIE आएगा,
मोस्ट कॉमन वायरस होता है जो कि डायबिटीज मेलेटस को क्या करता है, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलेटस को ट्रिगर करता है, ठीक है, बढ़ावा देता है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे साइटोमेगेलो वायरस, मम्स, रूबेला, तो ये जो वायरस होते हैं दोस्तों ये भी क्या करते हैं, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलेटस को क्या करते हैं दोस्तों, ट्रिगर करते हैं। तो इसमें तो कुछ ज्यादा समझाने की आपको जरूरत है नहीं, सीधी सी बात है, जो इंसुलिन बना रहा है उसी को मार दो तो इंसुलिन कम हो जाएगा, बस बीटा सेल डिस्ट्रक्शन के कारण हो रहा है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आती है टाइप सेकंड, इसको मैं समझाऊंगा, इसको अच्छे से समझना तब आपको समझ में आएगा कि इंसुलिन जरूरत होती है या नहीं होती, ठीक है। तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, NIDDM। तो इसके अंदर क्या होगा, पहला कोज क्या, तो सॉरी क्या होगा पहला कोज क्या, तो दोस्तों इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स हैं वो कम हो जाएंगे, या फिर दोस्तों इंसुलिन का जो रेसिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, इंसुलिन का रेसिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, या हम कहें कि इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाएगी, मतलब इंसुलिन काम कम करेगा, सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी हार्मोन है दोस्तों उसे काम करने के लिए क्या जुड़ना पड़ता है, अपने रिसेप्टर से जुड़ना पड़ता है, और वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो जब इंसुलिन जो है वो अपने रिसेप्टर से, रिसेप्टर्स की संख्या कम हो जाए तो इंसुलिन कहां जुड़ेगा, कहीं नहीं जुड़ पाएगा, और अगर ज्यादा इंसुलिन है तो वो भी काम नहीं आएगा। दूसरा, इंसुलिन जो है दोस्तों होने के बावजूद भी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंसुलिन रेसिस्टेंस या इंसुलिन सेंसिटिविटी का क्या होना, डिक्रीज होना, कि इंसुलिन क्या नहीं रहा, सेंसिटिव नहीं रहा, इंसुलिन होने के बावजूद काम नहीं कर रहा, तो उसे हम किस नाम जानेंगे कि भाई इंसुलिन रेसिस्टेंस हो गया या फिर इंसुलिन की सेंसिटिविटी क्या हो गई दोस्तों, कम हो गई है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। इन तीनों ही कंडीशन के अंदर क्या होगा दोस्तों, तीनों ही कंडीशन के अंदर क्या होगा कि भाई जो ग्लूकोज का जो लेवल है दोस्तों वो ब्लड के अंदर क्या होगा, बढ़ेगा, हाइपरग्लाइसेमिया होगा। क्यों? क्योंकि इंसुलिन काम नहीं कर रहा। जब इंसुलिन काम नहीं कर रहा तो ग्लूकोज जो है दोस्तों वो ग्लाइकोजन में चेंज नहीं हो रहा, ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो रहा। अब जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा दोस्तों तो उसके कारण ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। ग्लूकोज का ब्लड में लेवल बढ़ना क्या कहलाएगा दोस्तों, हाइपरग्लाइसेमिया कहलाएगा। अब शुरू की स्टेज की बात करते हैं, जब किसी पर्सन को डायबिटीज मेलेटस क्या हुआ है दोस्तों, डेवलप ही हुआ है, अर्ली स्टेज बोलेंगे हम, उस दौरान क्या होगा, अब पैनक्रियाज को क्या क्या संदेश जाएगा दोस्तों, पैनक्रियाज को यह संदेश जाएगा दोस्तों कि भाई ग्लूकोज का जो लेवल है वो क्या हुआ है, ब्लड में बढ़ा हुआ है। अब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में अगर बढ़ा हुआ है दोस्तों तो उस ग्लूकोज के लेवल को क्या करना है, कम करना है, और कम करने के लिए इंसुलिन का सीक्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो दोस्तों जो पैनक्रियाज जो है ना, पैनक्रियाज क्या काम करेगा, बीटा सेल्स ऑफ जो पैनक्रियाज है वो क्या काम करेंगी, और ज्यादा इंसुलिन का सीक्रेशन बढ़ाने लग जाएंगे, तो इंक्रीज इंसुलिन सीक्रेशन, क्योंकि इंसुलिन जो है ना वो तो है लेकिन उसको लगेगा भाई ग्लूकोज का लेवल क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है, तो उसको कम करना है, तो उसको कम करने के लिए पैनक्रियाज की बीटा सेल क्या करेंगी, और इंसुलिन का क्या करेंगी, सीक्रेशन करेंगी। अब इसके अंदर इंसुलिन की कमी थोड़ी है, इंसुलिन तो है क्योंकि सेल डिस्ट्रक्ट थोड़ी हुई है, तो इंसुलिन का सीक्रेशन क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। इंसुलिन का सीक्रेशन ब्लड में बढ़ना क्या कहलाता है, हाइपर इंसुलिनेमिया कहलाता है, हाइपर इंसुलिनेमिया। इसलिए डायबिटीज मेलेटस टाइप सेकंड के अंदर स्टार्टिंग के अंदर क्या देखने को मिलता है दोस्तों, इंसुलिन का लेवल क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। लेकिन अब ज्यादा इंसुलिन भी हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों, क्योंकि इंसुलिन है तो सही बट इट इज नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रहा है ये। तो अगर ये दोस्तों काम नहीं कर रहा, अगर ये इंसुलिन दोस्तों काम नहीं कर रहा है, अभी ग्लूकोज के लेवल को फिर भी क्या नहीं कर पाएगा, चेंज नहीं कर पाएगा, तो भी जो बॉडी है उसके अंदर क्या रहेगा, हाइपरग्लाइसेमिया रहेगा, फिर और ज्यादा मात्रा में सीक्रेट होगा, मोर सीक्रेशन या मोर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय बीटा सेल, बीटा सेल्स और इंसुलिन बनाती रहेंगी। अब इससे क्या होगा दोस्तों, एक टाइम ऐसा आएगा कि बीटा सेल है ना थक जाएंगी, क्यों, क्योंकि वो लगातार ज्यादा काम कर रही है और ज्यादा इंसुलिन बनाती जा रही है, लेकिन इंसुलिन काम नहीं कर रहा, ग्लूकोज का लेवल डाउन नहीं जा रहा, फिर बीटा सेल्स और बनाएंगी और इंसुलिन धीरे धीरे ज्यादा, बीटा सेल को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, ज्यादा मात्रा में इंसुलिन बनाना पड़ रहा है, उसको लग रहा है कि भाई ग्लूकोज का लेवल कम नहीं हो रहा, मैं और इंसुलिन बनाऊं, इंसुलिन ब्लड के अंदर बढ़ता जा रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा। तो उस कारण क्या होगा दोस्तों, ये बीटा सेल इंसुलिन बनाने के बावजूद इनका क्या होगा, फटीग स्टार्ट हो जाएगा। अब बीटा सेल्स क्या हो जाएंगी दोस्तों, फटीग हो जाएंगी, थक जाएंगी, मतलब बस उन्होंने बहुत ज्यादा काम कर लिया दोस्तों, जितना मतलब जो सेल्स जो है एक तरह से क्या होने लग गई, उनके द्वारा इतना ज्यादा फंक्शन कर लिया गया कि अब जो इंसुलिन वो बना पा रही थी वो सेल्स उतना इंसुलिन नहीं बना पाएंगी,
इसे हम बीटा सेल फटीग के नाम से जानते हैं। अब बीटा सेल फटीग होगा दोस्तों, तो उसके बाद में इंसुलिन का जो सीक्रेशन है दोस्तों वो क्या कम कर देंगी, कम कर देंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा काम कर लिया कि अब ये ज्यादा मात्रा के अंदर इंसुलिन सीक्रेट नहीं कर पाएंगी और इंसुलिन का सीक्रेशन क्या होगा दोस्तों, कम हो जाएगा। ये कब की बात है? ये एडवांस स्टेज की बात है। ये इससे पहले जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों वो किसकी बात है? वो अर्ली स्टेज की बात है। ठीक है, ये सब किसकी बात है? अर्ली स्टेज की। इसलिए आपको ये डिफरेंस दोस्तों समझना क्या है जरूरी है, आगे मैं और समझाऊंगा आपको। ठीक है, ये अर्ली स्टेज की बात है। अब एडवांस स्टेज में क्या होगा दोस्तों, जब बीटा सेल थक जाएंगे तो इंसुलिन का सीक्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। इंसुलिन का सीक्रेशन क्या होगा दोस्तों, कम हो जाएगा। अब ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा इंसुलिन का और अब इस टाइम नीड एक्सोजेनस इंसुलिन, बाहर से जो इंसुलिन है दोस्तों उसकी जरूरत पड़ेगी। अब आपको मैं समझाता हूं वो कंसेप्ट जो आप इतनी देर से कंफ्यूज हो रहे थे कि सर हमने टाइप सेकंड में भी हम इंसुलिन देते हैं। टाइप सेकंड जब शुरू की स्टेज में होगा दोस्तों, अर्ली स्टेज में होगा, उस समय अगर आप इंसुलिन दोगे भी तो भी कोई काम नहीं है, बल्कि नुकसान और कर रहा है। क्यों? क्योंकि पहले से इंसुलिन क्या था दोस्तों, ज्यादा था। लेकिन जब एडवांस स्टेज के अंदर चला जाता है, टाइप सेकंड किसमें चला जाता है? एडवांस स्टेज में। कंटिन्यू कई सालों तक जब डायबिटीज मेलिटस टाइप सेकंड रहता है दोस्तों, तो उस दौरान क्या होगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होने लग गया। उस समय दोस्तों क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। उस समय इंसुलिन की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। इसलिए टाइप सेकंड के अंदर स्टार्टिंग फेज के अंदर इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती, उसे NIDDM के नाम से जानते हैं, नो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। लेकिन दोस्तों एडवांस स्टेज में जब हम हॉस्पिटल में पेशेंट आता है उसको हम इंसुलिन देते हैं ना, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का पेशेंट आता है, ठीक है, टाइप फर्स्ट का जो कॉम्प्लिकेशन है उस समय इंसुलिन देते हैं। इसके अलावा टाइप सेकंड वाले को भी हमें कई बार क्या देना पड़ता है दोस्तों, इंसुलिन देना पड़ता है। तो इंसुलिन दिया जाता है, लेकिन वो कब काम करता है, जब एडवांस स्टेज में हो, जब इंसुलिन का प्रोडक्शन क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना। आगे मैं आपको जब HbA1c पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जब HbA1c का लेवल 9 से अगर कम रहता है तो हम सिर्फ टैबलेट्स के द्वारा क्या कर सकते हैं, पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देकर पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर एडवांस स्टेज में चला गया, 9 से ज्यादा हो गया है दोस्तों अगर HbA1c का लेवल, तो उस कंडीशन के अंदर हमें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के साथ साथ में क्या देना पड़ेगा, इंसुलिन देना पड़ेगा। तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि शुरू के अंदर क्या है, खूब इंसुलिन, खुद के पास इंसुलिन बहुत सारा है, तो इंसुलिन देने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ हम टैबलेट्स के द्वारा ट्रीट करेंगे। लेकिन एडवांस स्टेज में अगर चला गया है दोस्तों, उस समय जब इंसुलिन का प्रोडक्शन ही सेल कम करने लग जाएंगी, तो तब हमें इंसुलिन देने की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो ये भी आपको क्या समझना है, तो ये चीज मैंने आपको समझा दी है कि हॉस्पिटल में जब पेशेंट आते हैं तो उनको इंसुलिन क्यों देते हैं। ठीक है, एक रीजन मैंने आपको समझा दिया पहला, कई इसके तीन रीजन है। ठीक है, टाइप फर्स्ट की, टाइप सेकंड की जो इटियोलॉजी वो पढ़ रहे हैं, टाइप फर्स्ट का हो गया था हमारा, दो ही है, ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन है और ये है। टाइप सेकंड में हमने पहला पढ़ा कि इंसुलिन के रिसेप्टर्स कम होना या रेसिस्टेंस का कम होना, सॉरी रेसिस्टेंस का बढ़ना या सेंसिटिविटी का क्या होना, कम होना। और इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकंड, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज बाय लीवर इररेस्पेक्टिव ऑफ बॉडी नीड्स। शरीर को ग्लूकोज चाहिए ही नहीं, लेकिन लीवर क्या कर रहा है दोस्तों, ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज बनाता जा रहा है। ठीक है, जरूरत है नहीं, ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज बना रहा है। ये भी सेम उसी फंक्शन पे काम करेगा जैसे टाइप फर्स्ट में काम कर रहा है कि इंसुलिन का क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस हो रहा है, उसी पे ये काम करेगा। बीटा सेल इसमें भी थक जाएंगे दोस्तों, कैसे, देखो जैसे ही बॉडी के अंदर लीवर क्या कर रहा है, ग्लूकोज बनाता जा रहा है, बॉडी को जरूरत भी नहीं है। ठीक है, और ग्लूकोज बनाता जाएगा तो बीटा सेल क्या काम करेंगी, उस ग्लूकोज के लेवल को कम करना चाहेंगी, क्योंकि बॉडी को तो नीड नहीं है, तो वो इंसुलिन का सीक्रेशन स्टार्ट करेंगी। लेकिन लीवर रुक नहीं रहा, उधर से और ग्लूकोज बन रहा है, इधर से ये इंसुलिन बना रही है, उधर से वो ग्लूकोज बना रहा है, ये इधर से इंसुलिन बना रही है। लेकिन दोस्तों लीवर नहीं थकेगा ग्लूकोज बनाते बनाते, लेकिन इधर जो पैनक्रियास की बीटा सेल वो क्या हो जाएंगी दोस्तों, थक जाएंगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इंसुलिन के प्रोडक्शन को क्या कर देंगी दोस्तों, कम कर देंगी। तो ज्यादा प्रोडक्शन ग्लूकोज का लीवर के द्वारा होना भी क्या कर सकता है दोस्तों, डायबिटीज मेलिटस कोज कर सकता है। तो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज बाय लीवर इररेस्पेक्टिव ऑफ द बॉडी नीड्स, ये भी क्या हो सकता है, एक रीजन हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं थर्ड, ठीक है, एक रीजन और बता देता हूं, बुक्स में दिया हुआ होता है, इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ, जो शायद कोई बच्चे पढ़ते नहीं है, इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ एडिपोकाइंस बाय एडिपोज टिश्यू। ऐसे कहते हैं दोस्तों कि कुछ लोगों में अंदर क्या होता है कि जो एडिपोज टिश्यूज हैं वो कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं, और उन केमिकल्स का नाम क्या है दोस्तों, एडिपोकाइंस,
और ये एडिपोकाइन सीक्रेट अगर ज्यादा मात्रा में सीक्रेट होने लग जाते हैं दोस्तों, तो ये ग्लूकोज के लेवल को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ग्लूकोज के लेवल को क्या कर देते हैं दोस्तों, बढ़ा देते हैं, जिसके कारण टाइप फर्स्ट जो डायबिटीज मेलाइटस है वो क्या होता है दोस्तों, डेवलप होता है। क्या होता है, डेवलप होता है। यही कारण है कि ओबेज जो पर्सन होते हैं उनके अंदर टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस होने के चांसेस क्या होते हैं दोस्तों, ज्यादा होता है। उनके अंदर डायबिटीज मेलाइटस के चांसेस क्या हो जाते हैं दोस्तों, बढ़ जाते हैं। क्यों, ओबेज पर्सन के अंदर एडिपोज टिश्यूज बढ़ेंगे, एडिपोज टिश्यूज बढ़ेंगे तो वो एडिपोज टिश्यू सीक्रेट करेंगे एडिपोकाइंस, और ये एडिपोकाइंस क्या काम करते हैं दोस्तों, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते हैं, और ग्लूकोज का लेवल हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो ये किसको क्या कोज करेगा दोस्तों, डायबिटीज मेलाइटस टाइप सेकंड कोज करेगा। ये क्या कोज करेगा, डायबिटीज मेलाइटस टाइप सेकंड कोज करेगा। तो ये भी क्या हो सकता है दोस्तों, एक रीजन हो सकता है। तो हमने क्या क्या रीजन पढ़े हैं, टाइप फर्स्ट के अंदर हमने दो रीजन पढ़े हैं कि जो बीटा सेल है वो डिस्ट्रक्ट करने लग गई है दोस्तों ऑटो इम्यून के द्वारा, तो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल, ठीक है। दूसरा रीजन हमने टाइप फर्स्ट में क्या पढ़ा दोस्तों, वायरल इन्फेक्शन पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने, वायरल इन्फेक्शन, कि कोक्सैकी, साइटोमेगालो, मम्स, रूबेला, ये वायरस भी क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं, बढ़ावा देते हैं ऑटो इम्यूनिटी को जनरेट करने के लिए। टाइप सेकंड में अंदर हमने पढ़ा कि इंसुलिन का जो रेसिस्टेंस है वो बढ़ जाए, इंसुलिन के रिसेप्टर्स कम हो जाए, इंसुलिन की सेंसिटिविटी है दोस्तों वो कम हो जाए, उसके कारण हो सकता है। या जो लीवर है वो ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज बनाने लग जाए, बॉडी की नीड है ही नहीं लेकिन ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज का क्या होने लग गया, लीवर के द्वारा फॉर्मेशन होने लग गया। या तीसरा ये वाला जिसके अंदर हमने पढ़ा कि जो एडिपोज जो टिश्यूज होते हैं दोस्तों, ये एडिपोज टिश्यूज ज्यादा मात्रा में एडिपोकाइन सीक्रेट करने लग जाए, जिससे ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं दोस्तों इटियोलॉजी में। इसके बाद में दोस्तों अब मैं आपको टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के बारे में हर एक चीज पढ़ाऊंगा, और वो हम किसके द्वारा पढ़ेंगे, जो भी बाकी की चीजें पढ़ गई दोस्तों वो हम सारी चीजें जो भी बच गई हैं वो सारी चीजें हम डिफरेंसेस के द्वारा पढ़ेंगे। अब मैं आपको डिफरेंसेस पढ़ाऊंगा टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के अंदर, उन डिफरेंस आप लिख लो, डिफरेंस बिटवीन टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस, और इसमें अंदर हम सारी वो चीजें पढ़ लेंगे डायबिटीज मेलाइटस के बारे में जो इन दोनों के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कहां गया, ठीक है दोस्तों, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड में अंतर पढ़ते हैं। पहला अंतर, ऑल्सो नोन एज टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस, उसे हम किस नाम से जानते हैं, और टाइप सेकंड जो डायबिटीज मेलाइटस है दोस्तों उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो टाइप फर्स्ट जो डायबिटीज मेलाइटस है दोस्तों उसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं। हम किस नाम जानते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, जबकि टाइप सेकंड जो होता है दोस्तों इसे हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस के नाम से भी जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस के नाम से भी जानते हैं। जो टाइप फर्स्ट जो होता है दोस्तों वो यंगर लोगों में ज्यादा होता है, किसमें ज्यादा होता है, यंगर में ज्यादा होता है, लेस देन 40 ईयर ऑफ एज में क्या होता है दोस्तों, ज्यादा होता है। और टाइप सेकंड जो होता है दोस्तों वो किसमें ज्यादा होता है, एडल्ट में ज्यादा होता है। अब बहुत सारे बच्चे कई देर से सोच रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं कि सर जुवेनाइल नहीं आया, आपने इतने सारे टाइप बता दिए जो हमने कभी सुने नहीं है, बट जुवेनाइल बार बार सुने हुए हैं, ये क्यों नहीं आ रहा। दोस्तों ध्यान रखना, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस अगर इन्फेंट और अगर एडोलेसेंस के अंदर हो, इन्फेंट और एडोलेसेंस के अंदर अगर टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस होता है तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, जुवेनाइल। तो टाइप फर्स्ट का ही एक टाइप होता है क्या दोस्तों, जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस। कि अगर डायबिटीज मेलाइटस टाइप फर्स्ट इन्फेंट के अंदर हो जाए दोस्तों, या फिर किसके अंदर हो जाए दोस्तों, जो एडोलेसेंस है उनके अंदर हो जाए, बच्चों के अंदर अगर हो रहा है, जो एडोलेसेंस एज तक अगर हो रहा है दोस्तों, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, उसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, उसे हम जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये मेनली किसके अंदर होता है दोस्तों, एडल्ट के अंदर होता है। ये मेनली किसके अंदर होता है दोस्तों, एडल्ट के अंदर होता है। इसके बाद नेक्स्ट, बीटा सेल डिस्ट्रक्शन एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, कि जब डायग्नोसिस करते हैं तो कितना डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। तो टाइप फर्स्ट जो होता है ना दोस्तों, उसका जो ऑनसेट जो होता है वो कैसा होता है, अच्छा ये एज ऑफ ऑनसेट, यहां से ऑनसेट लिख लो, चलो वहां एज बता दी मैंने, यहां पर पहले ऑनसेट बताता हूं। टाइप फर्स्ट जो होता है दोस्तों इसका ऑनसेट एक्यूट होता है, इसका क्या होता है, क्रोनिक या ग्रेजुअल, क्रोनिक या ग्रेजुअल। देखो अभी ये बताऊंगा मैं, पहले ही सुनो। टाइप फर्स्ट जो होता है दोस्तों एकदम से होता है ये एक्यूट, मतलब कि तेजी से आपके अंदर, आपको पता नहीं रहेगा आपको डायबिटीज मेलाइटस है, आपको ब्लड ग्लूकोज धीरे धीरे बढ़ेगा नहीं, डायरेक्टली एकदम से आपको क्या होता है दोस्तों, डेवलप होता है। इस कंडीशन को किस नाम जानते हैं, एक्यूट के नाम से जानते हैं। जबकि टाइप सेकंड जो होता है दोस्तों धीरे 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 डेवलप होता है, क्रोनिक रूप से डेवलप होता है, तो इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, टाइप सेकंड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा
ठीक है, तो ये ध्यान रखना इसका ऑनसेट एक्यूट होता है और इसका ऑनसेट कैसा होता है दोस्तों, ग्रेजुअली होता है। इसका ऑनसेट क्या होता है, ग्रेजुअल होता है। टाइप फर्स्ट जो डायग्नोसिस जब हम करते हैं ना दोस्तों, एक्यूट हो रहा है ये, एकदम से हो रहा है, तो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन एकदम से कर देता है ये, तो लगभग 70-80% डिस्ट्रक्शन हो चुका होता है किसका, बीटा सेल्स का। बीटा सेल्स पैनक्रियाज की वो सेल्स जो इंसुलिन सीक्रेट कर रही है, जब टाइप फर्स्ट की डायग्नोसिस आप करोगे उस समय तक 70-80% जो सेल्स होती है दोस्तों वो क्या हो चुकी होती है, डिस्ट्रक्ट हो चुकी होती है, जबकि टाइप सेकंड के अंदर सिर्फ 50% सेल्स होती है दोस्तों वो क्या होती है, डिस्ट्रक्ट होती है। जब डायग्नोसिस बनता है, डायग्नोसिस के टाइम में जब पता लग जाए किसी पेशेंट को कि हाँ डिटर्मिनेशन हो जाता है कि डिजीज का डायग्नोसिस कहलाती है, तब तक उसकी कितनी सेल डिस्ट्रक्ट हो चुकी होती है, लगभग 50% होती है, लेकिन यहां पर एक्यूट होता है एकदम से पता ही नहीं चलेगा तो 70-80% जो होती है दोस्तों वो क्या होती है, 70-80% जो होती है दोस्तों वो क्या होती है, डिस्ट्रक्ट हो जाती है। एक क्वेश्चन और पूछते हैं दोस्तों कि कौन सा डायबिटीज मेलिटस ऐसा है जिसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो डायग्नोसिस के समय क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस डायग्नोसिस के समय प्रेजेंट होते हैं, तो ध्यान रखना टाइप सेकंड डायबिटीज मेलिटस का जब आपको पता लगेगा उस समय आपके अंदर क्या होते हैं दोस्तों, कॉम्प्लिकेशंस भी प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं, देखो टाइप फर्स्ट एक्यूट होता है एकदम से हो जाता है तो आपको पता नहीं लगेगा, कॉम्प्लिकेशंस डेवलप नहीं होते हैं, लेकिन टाइप सेकंड धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे तो साथ में डिजीज के साथ साथ में उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं दोस्तों वो भी क्या होते रहते हैं, बॉडी के अंदर जनरेट होते रहते हैं। इसलिए टाइप सेकंड के अंदर डायग्नोसिस जब होगी तो कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे दोस्तों, प्रेजेंट मिलेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ध्यान रखना, और यहां पर कॉम्प्लिकेशंस नहीं मिलेंगे, कॉम्प्लिकेशंस जब डायग्नोसिस के टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी डायग्नोसिस बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी ये सेल्स को क्या कर देता है, डिस्ट्रक्ट कर देता है, 70-80% सेल डिस्ट्रक्ट हो जाती है, क्योंकि यहां पर 50% सेल डिस्ट्रक्ट होती है, लेकिन वो धीरे धीरे होती है, क्या होती है, धीरे धीरे। इसलिए कॉम्प्लिकेशंस डायग्नोसिस के टाइम क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट होता है, कॉम्प्लिकेशंस डायग्नोसिस के टाइम क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद है दोस्तों इसका प्रीवेलेंस कि ये कितने परसेंट केस के अंदर पाया जाता है, भाई टाइप फर्स्ट ज्यादा पाया जाता है या फिर जो टाइप सेकंड है वो ज्यादा पाया जाता है, तो आप सबको पता है दोस्तों कि जो डायबिटीज टाइप फर्स्ट है वो सिर्फ 5-10% लोगों में ही प्रेजेंट होता है, जबकि मेनली जो डायबिटीज मेलिटस होता है दोस्तों वो लगभग 95-95% लोगों के अंदर जो डायबिटीज होता है दोस्तों वो कौन सा होता है, टाइप सेकंड डायबिटीज मेलिटस होता है। तो आपसे कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन जो डायबिटीज मेलिटस है दोस्तों जो होता है वो कौन सा होता है, तो आप क्या कहोगे कि मोस्ट कॉमन टाइप सेकंड डायबिटीज मेलिटस होता है। ज्यादातर चांस किसके होते हैं, 90-95% चांसेस टाइप सेकंड के होते हैं, सिर्फ 5-10% चांसेस होते हैं दोस्तों कि टाइप फर्स्ट हो। तो मोस्ट कॉमन डायबिटीज मेलिटस कौन सा है दोस्तों, मोस्ट कॉमन डायबिटीज मेलिटस है आपका टाइप सेकंड डायबिटीज मेलिटस। इसके बाद पूछते हैं दोस्तों कि जेंडर कि भाई किसके अंदर होता है, तो टाइप फर्स्ट दोस्तों बराबर है किसी के अंदर, मेल और फीमेल में कोई अंतर नहीं करता, ये मेल और फीमेल में बराबर रूप से होता है, लेकिन टाइप सेकंड ऐसे माना जाता है कि फीमेल के अंदर मेल से ज्यादा पाया जाता है, टाइप सेकंड जो फीमेल है दोस्तों उनके अंदर मेल से क्या पाया जाता है, ज्यादा पाया जाता है। इसके बाद में दोस्तों एनवायरमेंटल फैक्टर, टाइप फर्स्ट के अंदर जो वायरल जो इन्फेक्शन है ये कोज करता है, अभी हमने इटियोलॉजी पढ़ी थी तो इटियोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि वायरल जो इन्फेक्शन है दोस्तों वो क्या कोज करवा सकता है, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलिटस कोज करवा सकता है, लेकिन टाइप सेकंड के अंदर मैंने आपको बताया था कि एडिपोज टिश्यू ज्यादा होंगे तो एडिपोकाइन्स ज्यादा होगा, इसलिए ओबेसिटी, इसके अलावा ओबेसिटी ऐसे पर्सन में ज्यादा आएगी जो एक्सरसाइज कम करते हैं, तो लैक ऑफ एक्सरसाइज, तो जो लोग एक्सरसाइज कम करते हैं या ओबेसिटी ज्यादा होती है दोस्तों उन लोगों के अंदर टाइप सेकंड डायबिटीज मेलिटस होने के ज्यादा चांसेस मिलेंगे, और जिनके अंदर वायरल इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं उनके अंदर टाइप फर्स्ट जो डायबिटीज मेलिटस है दोस्तों उसके होने के चांसेस क्या मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं, उसके होने के चांसेस क्या मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, लिख लेना आप। तो अभी तक हमने जो पढ़े हैं दोबारा सुना देता हूं, IDDM कहलाता है, NIDDM कहलाता है, यंगर लोगों में ज्यादा पाया जाता है, एडल्ट लोगों में ज्यादा पाया जाता है, 70-80% डिस्ट्रक्शन हो चुका होता है जब डायग्नोसिस होती है, 50% डिस्ट्रक्शन होता है, कॉम्प्लिकेशंस एब्सेंट रहते हैं डायग्नोसिस के समय, कॉम्प्लिकेशंस प्रेजेंट होते हैं, ऑनसेट एक्यूट होता है, ऑनसेट क्रोनिक या ग्रेजुअल रूप से होता है, 5-10% लोगों में ये पाया जाता है, 90-95% लोगों में ये पाया जाता है, मेल फीमेल बराबर होता है, फीमेल में ज्यादा होता है, मेल में कम होता है, वायरल इन्फेक्शन कोज करवा सकता है, ओबेसिटी और लैक ऑफ एक्सरसाइज क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं, बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट फैमिली हिस्ट्री, दोस्तों टाइप फर्स्ट जो होता है ना उसके अंदर फैमिली हिस्ट्री के चांसेस क्या होते हैं दोस्तों, कम होते हैं, सिर्फ 5-15% ही लोग ऐसे होते हैं जिनको होता है और उनकी फैमिली में भी क्या पाया जाता है, डायबिटीज मेलिटस, मतलब जिसको पहले से क्या है, जिसकी फैमिली में डायबिटीज मेलिटस है, माता पिता को पहले से डायबिटीज मेलिटस है, उनके बच्चों में बहुत कम चांसेस होते हैं कि टाइप फर्स्ट हो। ठीक है,
टाइप फर्स्ट जो है वो फैमिली हिस्ट्री पे ज्यादा डिपेंड नहीं करता, मैं ये बताना चाह रहा हूं, जबकि टाइप सेकंड जो होता है ना दोस्तों वो फैमिली हिस्ट्री पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जिन लोगों को टाइप सेकंड होता है 75 से 90% चांसेस होते हैं दोस्तों कि उनकी फैमिली के अंदर पहले से किसी को क्या है डायबिटीज मेलाइटस है, और सिर्फ 5 से 15% ही चांसेस होते हैं कि भाई उनकी फैमिली के अंदर क्या मिलेगा डायबिटीज मेलाइटस मिलेगा टाइप फर्स्ट वालों की। तो टाइप सेकंड जो होता है दोस्तों वो फैमिली हिस्ट्री के ऊपर क्या करता है ज्यादा डिपेंड करता है। इसके लिए मतलब हम दूसरी लाइन ये भी समझ सकते हैं कि जिनके माता पिता को टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस है उनके बच्चों के अंदर डायबिटीज मेलाइटस होने की जो प्रीवेलेंस है वो क्या मिलेगी दोस्तों ज्यादा मिलेगी, चांसेस दोस्तों क्या मिलेंगे ज्यादा मिलेंगे, तो ये भी आपको समझने की जरूरत है। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन, तो बताओ टाइप फर्स्ट के अंदर ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होता है या नहीं होता? आप कहोगे हाँ प्रेजेंट, ये क्या होता है दोस्तों प्रेजेंट होता है, जबकि टाइप सेकंड के अंदर ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन नहीं पाया जाता, क्योंकि ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हमने किसमें पढ़ा है टाइप फर्स्ट के अंदर पढ़ा है। प्रेजेंस ऑफ अदर एंडोक्राइन डिजीज, नहीं टाइप फर्स्ट जो होता है दोस्तों इसके अंदर ज्यादातर और डिसऑर्डर्स नहीं मिलते हैं, ठीक है पहले से कोई डिसऑर्डर प्रेजेंट नहीं मिलता है, जबकि टाइप सेकंड के अंदर क्या होते हैं ज्यादा चांसेस होते हैं कि और एंडोक्राइन डिसऑर्डर भी उसके पर्सन के अंदर क्या होगा दोस्तों देखने को मिलेगा। तो ये भी ध्यान रखना कि प्रेजेंस ऑफ अदर एंडोक्राइन जो डिसऑर्डर होता है वो टाइप फर्स्ट में नहीं पाया जाता, और जो एंडोक्राइन जो सिस्टम है उससे रिलेटेड बाकी के जो डिसऑर्डर्स होते हैं इनमें मिलने के चांसेस क्या मिलते हैं दोस्तों ज्यादा मिलते हैं, जबकि टाइप फर्स्ट में नहीं मिलते हैं, ठीक है ये भी ध्यान रखना। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों इंसुलिन रेसिस्टेंस, टाइप फर्स्ट के अंदर इंसुलिन रेसिस्टेंस नहीं पाया जाता, जबकि इंसुलिन का प्रोडक्शन ही क्या हो जाता है दोस्तों कम हो जाता है, जबकि यहां पर इंसुलिन का रेसिस्टेंस क्या होता है दोस्तों प्रेजेंट होता है, इंसुलिन का रेसिस्टेंस क्या होता है प्रेजेंट होता है, यहां पर इंसुलिन का रेसिस्टेंस नहीं पाया जाता। प्रेजेंस ऑफ एंडोजीनस इंसुलिन, मतलब कि बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रेजेंट होता है क्या, इसके अंदर बहुत कम, क्या तो बिल्कुल एब्सेंट रहेगा इंसुलिन होगा ही नहीं, या फिर बहुत कम होगा वेरी लो होगा, और इसके अंदर क्या होगा दोस्तों अर्ली स्टेज के अंदर तो इंसुलिन क्या मिलेगा ज्यादा मिलेगा, मैंने आपको बताया था हाइपर इंसुलिनेमिया पाया जाता है अर्ली स्टेज के अंदर, लेकिन लेटर स्टेज के अंदर इसमें भी कम मिलता है, लेकिन प्रेजेंट जरूर मिलेगा एब्सेंट नहीं होगा लो मिलेगा, ठीक है लेटर स्टेज में थोड़ा लो हो जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ एंडोजेनस इंसुलिन इसमें क्या नहीं मिलेगा या बहुत कम मिलेगा, यहां पर क्या होगा दोस्तों जो एंडोजेनस का मतलब जो हमारी बॉडी बना रही है जो बीटा सेल बना रही है वो जो बाहर से जब हम मेडिसिन के रूप में लेते हैं उसे एक्सोजेनस बोलते हैं, ठीक है उसे हम किस नाम जानते हैं एक्सोजेनस, तो अर्ली स्टेज के अंदर ज्यादा मिलेगा ठीक है, और लेटर स्टेज के अंदर क्या हो जाता है ये थोड़ा कम हो जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद नीड फॉर एक्सोजेनस इंसुलिन, बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत तो इसमें तो होती ही होती है, बिना इंसुलिन के काम ही नहीं चलेगा, क्यों क्योंकि ट्रीटमेंट ही क्या है सिर्फ इंसुलिन है, जबकि इसके अंदर दोस्तों जरूरत पड़ सकती है मे बी इन एडवांस स्टेज के अंदर जरूरत पड़ती है, शुरू में नहीं पड़ती, शुरू के अंदर इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती है, एडवांस स्टेज में पड़ती है। वेट लॉस दोस्तों टाइप फर्स्ट के अंदर है ना वेट लॉस देखने को मिलता है, ध्यान रखना टाइप फर्स्ट के अंदर वेट लॉस देखने को मिलता है, टाइप सेकंड के अंदर वेट लॉस देखने को नहीं मिलता है, टाइप सेकंड के अंदर वेट लॉस देखने को नहीं मिलता है, टाइप फर्स्ट जो होता है उसके अंदर वेट लॉस देखने को मिलता है, टाइप सेकंड के अंदर वेट लॉस देखने को नहीं मिलता है। यूज ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, नहीं आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मतलब जो टैबलेट्स के द्वारा हम ग्लूकोज के लेवल को क्या करते हैं कम करते हैं, ओरल मतलब ओरली देते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक मतलब जो ग्लूकोज के लेवल को कम करते हैं, एजेंट मतलब मेडिसिन से, तो OHA ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट टाइप फर्स्ट में दोगे कोई फायदा नहीं है, यहां पर दोगे तो फायदा मिलेगा, तो यहां पर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का यूज नहीं किया जाता, और यहां पर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जो एजेंट है दोस्तों उनका यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ बीटा सेल एंटीबॉडीज, दोस्तों जब ऑटो इम्यूनिटी बनती है ऑटोइम्यून जो डिस्ट्रक्शन होता है तो उससे हमारी बॉडी के अंदर बीटा सेल्स के खिलाफ क्या बनने लग जाती है एंटीबॉडीज भी बनने लग जाती हैं, तो टाइप फर्स्ट के अंदर ही ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन होता है, इसलिए यहां पर ब्लड के अंदर क्या मिलेंगी बीटा सेल्स एंटीबॉडीज देखने को मिलेंगी, जबकि यहां पर बीटा सेल्स जो एंटीबॉडीज है दोस्तों वो ब्लड के अंदर देखने को नहीं मिलती है, बीटा सेल एंटीबॉडीज ब्लड के अंदर देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एक बच गया इसमें कॉम्प्लिकेशन हाँ कौन सा कॉम्प्लिकेशन होता है दोस्तों बताओ, टाइप फर्स्ट के अंदर जो मेन कॉम्प्लिकेशन होता है दोस्तों कौन सा होता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होता है, टाइप फर्स्ट के अंदर जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो कौन सा होता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस देखने को मिलता है, जो कि टाइप सेकंड के अंदर क्या कौन सा देखने को मिलता है हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ओस्मोलर नॉन कीटोइक सिंड्रोम, HHNS बोलते हैं जिसको हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ओस्मोलर नॉन कीटोइक सिंड्रोम देखने को मिलता है, और यहां पर क्या देखने को मिलता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, बहुत अच्छे से हमें इन दोनों के बारे में पढ़ना है, इनका मैनेजमेंट पढ़ना है, इनके बारे में डिटेल से हम बाद में अच्छे से बात करेंगे कि DKA क्या होता है HHNS क्या होता है, बस सिर्फ इतना समझो कि टाइप फर्स्ट का मेनली कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होता है, जबकि टाइप सेकंड का मेनली कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ओस्मोलर नॉन कीटोइक जो सिंड्रोम होता है दोस्तों वो इसका मेन क्या होता है कॉम्प्लिकेशन होता है। तो ये सारे आपके क्या हो गए दोस्तों टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के डिफरेंसेस हो गए, जिससे बहुत सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन इससे मिल गई है, बहुत सारी चीजें हमने इसके बारे में इसके द्वारा दोस्तों हमने जानी है।
इसके बाद में हम बात करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट जो आता है दोस्तों वो आता है आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद समाप्त हो जाएगी, उसके बाद में फिर हम आगे कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं दोस्तों, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हाइपरग्लाइसेमिया, सेकंड देखने को मिलता है पॉलीडिप्सिया, तीसरा पॉली यूरिया, फोर्थ है पॉलीफेजिया, नेक्स्ट है डिलेड इन वुंड हीलिंग, इसके बाद है इंक्रीज चांसेस ऑफ इंफेक्शन, इसके बाद है ग्लूकोज यूरिया, इसके बाद है दोस्तों ब्लड विजन, इसके बाद है पेरेस्थीसिया, एक है वीकनेस। तो ये सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं। अब ये मत खुश होना कि आपने पढ़ लिया ये पूरे हो गए, मैं एक एक करके सारे पढ़ाऊंगा, सबके रीजन के बारे में बात करेंगे, तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये कि आप सोचो बस हो गया एक और हो गया। तो हम पहली बात करते हैं दोस्तों हाइपरग्लाइसेमिया की, पढ़ना वही तो है ना, जो चीज पढ़ो उसके बारे में अच्छे से पढ़ो, नहीं मत पढ़ो फिर क्या फायदा। पहला हम बात करते हैं हाइपरग्लाइसेमिया की। हाइपरग्लाइसेमिया होने का जो रीजन है दोस्तों, वो जब हमने फंक्शन पढ़े थे ना तब उस समय हमने पढ़ लिया था, हमने क्या क्या पढ़ा था देखो, दो रीजन है हाइपरग्लाइसेमिया होने का। एक तो इंसुलिन का जो सीक्रेशन है वो कम हो गया, या फिर दोस्तों इंसुलिन का क्या हो गया, रेसिस्टेंस हो गया या सेंसिटिविटी कम हो गई, इंसुलिन रेसिस्टेंस या फिर डिक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी। या रिसेप्टर्स का कम होना, ठीक है, डिक्रीज इंसुलिन रिसेप्टर्स, ये चीजें पढ़ी हमने। ये टाइप फर्स्ट का कारण है, ये सेकंड का कारण है। ये सारी चीजें क्या काम करवाएंगी दोस्तों, जब इंसुलिन कम होगा तो क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो किस में चेंज नहीं होगा, ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होगा। ग्लूकोज किस में चेंज नहीं होगा दोस्तों, ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होगा। अब जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज नहीं हो रहा, मतलब कि ग्लाइकोजेनेसिस नहीं हो रहा, तो उसके कारण ग्लूकोज का लेवल क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। अब जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो उसके कारण क्या होगा, हाइपरग्लाइसेमिया होगा। नेक्स्ट दोस्तों, ग्लाइकोजन जो है वो इंसुलिन नहीं होने पर ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज में क्या होगा दोस्तों, चेंज होगा, मतलब कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है वो बढ़ेगा। अब ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में ज्यादा मात्रा में बनेगा तो इसके कारण ग्लूकोज क्या होगा दोस्तों, ज्यादा बनेगा, ग्लूकोज ज्यादा बनेगा। इसके अलावा दोस्तों नॉन कार्बोहाइड्रेटिक जो सब्सटेंस है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस, वो ज्यादा मात्रा में क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, जस्ट ऑपोजिट होगा ना फंक्शन का, तो यहां पर भी ग्लूकोज का लेवल क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। तो ये तीनों चीजें, ठीक है, कि भाई ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, मतलब कि ग्लाइकोजेनेसिस नहीं हो रहा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस बढ़ रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ रहा है, तो ये तीनों चीजें क्या काम करेंगी दोस्तों, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएंगी या फिर क्या कोज करवाएंगी, हाइपरग्लाइसेमिया कोज करवाएंगी। तो इस प्रकार से हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने आता है पॉलीडिप्सिया, इसको समझो, पॉलीडिप्सिया इसके दो रीजन है। पहला रीजन, एक रीजन है इधर लिख देता हूं पॉलीयूरिया, और एक रीजन हम बात करते हैं जो मेन रीजन है, हाइपरग्लाइसेमिया।
हाइपर हाइपरग्लाइसेमिया। दोस्तों हाइपरग्लाइसेमिया होने के कारण क्या होगा? हाइपरग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज के लेवल बढ़ेगा, उसके कारण क्या होता है दोस्तों? ब्लड की जो ऑस्मोलरिटी है ना वो बढ़ जाती है, इंक्रीज ये समझो कि कोई भी चीज है मान लो उसके अंदर ज्यादा मात्रा में आयंस हो जाते हैं, ब्लड है थिन है मान लो, ज्यादा ग्लूकोज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्लड थोड़ा सा विसिड होगा, गाढ़ा होगा, ऐसे समझो, आप समझाने के लिए समझा रहा हूं। तो उससे क्या होगा? ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी उसकी, ब्लड की क्या बढ़ेगी दोस्तों? ऑस्मोलरिटी बढ़ जाती है, मतलब उसके अंदर ज्यादा मात्रा में क्या हो गया, जितना नॉर्मल ग्लूकोज था दोस्तों उससे ज्यादा ग्लूकोज हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोलरिटी का बढ़ना। ये जो इंक्रीज जो ऑस्मोलरिटी है ना दोस्तों, ये क्या कॉज करवाती है कि भाई ज्यादा ग्लूकोज हो गया तो ब्लड को थोड़ा क्या करना है दोस्तों? ब्लड को पतला करना है, ऐसे समझो कि ज्यादा ग्लूकोज है तो ब्लड को पतला करना है, और पतला करने के लिए क्या चाहिए ब्लड को? पानी चाहिए, वाटर चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? वाटर चाहिए। तो क्या होगा इससे भाई? ब्लड को ज्यादा पानी मिलेगा, और पानी कहां से मिलेगा दोस्तों? सेल से मिलेगा। कहां से मिलेगा? सेल से मिलेगा। तो जो शिफ्टिंग ऑफ फ्लूड, शिफ्टिंग ऑफ फ्लूड फ्रॉम सेल टू ब्लड, या हम कहें कि इंट्रासेल्यूलर जो फ्लूड है ना दोस्तों, इंट्रासेल्यूलर जो फ्लूड है, जो सेल के अंदर जो पानी था वो बाहर जाएगा और ब्लड के अंदर जाके मिक्स होगा। क्यों? क्योंकि ब्लड को पानी की क्या है? ज्यादा जरूरत है। ज्यादा जरूरत क्यों है दोस्तों? क्योंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट क्या हो गई है? बढ़ गई है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ेगी तो ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी, ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी तो ऑस्मोलरिटी को कम करने के लिए जो बॉडी सेल्स जो है दोस्तों, बॉडी जो सेल्स होती हैं वो अपना पानी किसको देंगी दोस्तों? ब्लड को देंगी। या हम कहें कि बॉडी सेल्स के अंदर पाया जाने वाला इंट्रासेलुलर जो फ्लूड है वो कहां ट्रांसमिट होगा? एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूड में, या फिर ब्लड के अंदर क्या होगा दोस्तों? ट्रांसफर होगा। ब्लड के अंदर क्या होगा? ट्रांसफर होगा। अब उसके ट्रांसफर होने से क्या होगा दोस्तों? सेल्स के अंदर पानी की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और पानी की सेल्स के अंदर कमी होगी दोस्तों तो ये क्या कोज करेगा? सेलुलर डिहाइड्रेशन कोज करेगा। ये क्या कोज करेगा दोस्तों? सेलुलर डिहाइड्रेशन कोज करेगा। एक बॉडी के अंदर क्या हो रहा है दोस्तों? पोलीयूरिया हो रहा है, और पोलीयूरिया जब बॉडी के अंदर होगा दोस्तों तो उसके कारण क्या होगा? वाटर की कमी होगी। बॉडी के अंदर वाटर की क्या होगी दोस्तों? कमी होगी, क्योंकि ज्यादा मात्रा में जो वाटर है वो बॉडी से क्या हो रहा है दोस्तों? बाहर जा रहा है। तो पोलीयूरिया होने के कारण, एक ऑस्मोलरिटी ग्लूकोज की ज्यादा अमाउंट के कारण, ऑस्मोलरिटी होने के कारण, दोनों चीजें क्या कोज करवाएंगी दोस्तों? सेलुलर डिहाइड्रेशन कोज करवाएंगी। तो पानी का कम होना भी और सेलुलर डिहाइड्रेशन को क्या करेगा दोस्तों? प्रमोट करेगा। जब हमारी बॉडी सेल्स क्या होती हैं? डिहाइड्रेटेड होती हैं, तो ये स्टिमुलेट करता है थर्स्ट सेंटर ऑफ हाइपोथैलेमस को, स्टिमुलेट द थर्स्ट सेंटर। पानी की जब हमारी बॉडी के अंदर कभी भी कमी होती है, सेलुलर डिहाइड्रेशन होता है, तो ये स्टिमुलेट करता है थर्स्ट सेंटर को। अब थर्स्ट सेंटर जो है दोस्तों, प्यास वाला जो सेंटर है, वो जब स्टिमुलेट होगा दोस्तों तो वो क्या कोज करवाएगा दोस्तों? हमारी बॉडी के अंदर वो क्या कोज करवाएगा? पोली पोलीडिप्सिया कोज करवाएगा। क्या कोज करवाएगा दोस्तों? पोलीडिप्सिया कोज करवाएगा। तो इसके कारण हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा? ये बोर्ड आधे से चल रहा है। पोलीडिप्सिया होगा। इसके कारण क्या होगा? पोलीडिप्सिया होगा। क्यों? थर्स्ट सेंटर जो है दोस्तों, उसको कहेगा जाके, जब ग्लूकोज की अमाउंट ज्यादा बढ़ गई, बॉडी के अंदर पानी कम लग रहा है, क्यों? सेलुलर डिहाइड्रेशन हुआ है। बॉडी के अंदर पानी है, मान लो पानी है, लेकिन वो पानी कहां है? ब्लड वेसल्स के अंदर है, सेल के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि सेल का पानी कहां से लगाया? ब्लड के पास से लगाया। तो सेल्स के अंदर पानी की कमी हुई, सेलुलर डिहाइड्रेशन हुआ, और जब सेलुलर डिहाइड्रेशन हुआ दोस्तों, सेलुलर डिहाइड्रेशन स्टिमुलेट करेगा किसको? थर्स्ट सेंटर को। और थर्स्ट सेंटर जो है दोस्तों, वो स्टिमुलेट होकर बॉडी की जो थर्स्ट है दोस्तों, उसको क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और बॉडी की थर्स्ट जो इंक्रीज होना ही दोस्तों क्या कहलाता है आपका? बॉडी की जो थर्स्ट इंक्रीज होना ही क्या कहलाता है दोस्तों? पोलीडिप्सिया कहलाता है। इसी के कारण से हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? पोलीडिप्सिया होती है। इसी कारण क्या होता है? पोलीडिप्सिया होती है। तो बिल्कुल सिंपल से समझो, एक लाइन में अगर आपको समझना हो तो क्या समझोगे कि भाई ग्लूकोज ज्यादा होने के कारण ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी, ऑस्मोलरिटी बढ़ने से सेलुलर डिहाइड्रेशन होगा, और सेलुलर डिहाइड्रेशन थर्स्ट सेंटर को स्टिमुलेट करेगा, और थर्स्ट सेंटर के स्टिमुलेट होने के कारण ज्यादा मात्रा में हमें क्या लगेगी? प्यास लगेगी। और प्यास लगने को क्या कहेंगे दोस्तों? हम पोलीडिप्सिया कहेंगे। इसको परिभाषित भी किया गया है कि अगर कोई भी पर्सन एक दिन के अंदर 6 लीटर से ज्यादा पानी पीता है दोस्तों, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? पोलीडिप्सिया के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों? पोलीडिप्सिया के नाम से जानते हैं। तो पोलीडिप्सिया हो गया आपका खत्म। नेक्स्ट पढ़ते हैं पोलीयूरिया कि भाई पोलीयूरिया क्यों होता है, पोलीयूरिया होने का क्या रीजन है।
तो पोलीयूरिया जो है दोस्तों वो मैंने आपको बताया हुआ है कि 3 लीटर पर डे से ज्यादा या फिर 40 ml पर केजी से ज्यादा पर डे क्या कहलाता है, पोलीयूरिया कहलाता है। अब पोलीयूरिया होने का रीजन क्या है समझो, पहली चीज इसका एक लाइन में रीजन कोई पूछे तो आप कहोगे ऑस्मोटिक डाइयूरेसिस। अब मैं इसको समझाऊंगा, पहले आपको ऑस्मोटिक डाइयूरेसिस जो होता है दोस्तों वो पोलीयूरिया का क्या होता है, रीजन होता है, अब इसको हम समझते हैं। यह आपका नेफ्रॉन है, तो आपने नेफ्रॉन के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ होगा कि ग्लोमेरुलस होता है, ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों पीसीटी होता है, ये लूप ऑफ हेनले होता है, ठीक है, ये डीसीओटी होता है और ये आपका सीटी होता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है दोस्तों कि हमारी जो बॉडी है ना यूरिन फॉर्मेशन के लिए 3 प्रोसेस करती है। पहला जो प्रोसेस होता है दोस्तों वो क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, कि यहां से जो भी ब्लड वेसल्स के द्वारा जो भी चीज आ रही है वो यहां पर आती है, यहां पर आने के बाद दोस्तों डायरेक्टली क्या होती है, वो छनती है और ग्लोमेरुलस से नीचे की तरफ पीसीटी की तरफ आ जाती है। बहुत ज्यादा 89% तक क्या हो जाता है दोस्तों, फिल्ट्रेशन हो जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो फिल्टर नहीं हो पाती है, कुछ प्रोटीन रोटीन है जो फिल्टर नहीं हो पाती है, बाकी सब चीजें क्या हो गई, फिल्टर हो गई। यहां से क्या होगा दोस्तों, रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि ऐसे तो है नहीं कि 99% बॉडी से बाहर निकल गया तो बॉडी का तो सारा वाटर ही बाहर निकल जाएगा। मैक्सिमम जो चीजें दोस्तों जो बॉडी को जरूरत है बॉडी क्या कर लेती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। रेड कलर से बनाता हूं ताकि आप थोड़ा सा समझो, यहां पर क्या पाई जाती है दोस्तों, ब्लड वेसल्स पाई जाती है, ये मान लो ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, छोटी छोटी कैपिलरीज पाई जाती है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं इनको हम। तो ये वापस से जो जिस चीज को दोस्तों बॉडी को जरूरत है ना, तो वापस इसको ले लेती है, वापस इसको क्या कर लेती है दोस्तों, ले लेती है ये, ठीक है, और जिसकी जरूरत नहीं है उसको आगे भेज देती है और वो वापस चीज किसके रूप में बाहर निकल जाती है दोस्तों, यूरिन के रूप में बाहर निकल जाती है। तो यूरिन के रूप में जो बॉडी की जो जरूरत नहीं है, जिस पानी की जरूरत नहीं है बॉडी को, ठीक है, या फिर हम कहें कि जिस वेस्ट प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है उसको बॉडी को जरूरत नहीं है, तो वो उस चीज को रीअब्जॉर्ब नहीं करती और बाकी सब चीजों को क्या कर लेते हैं, रीअब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। तीसरी टेक्निक सीक्रेशन होती है, आपने सुना होगा कि कुछ चीजें जो फिल्टर नहीं हो पाती उसको सीक्रेट कर दिया जाता है डायरेक्टली और किसमें भेज दिया जाता है, ब्लड में भेज दिया जाता है, वो हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का रीअब्जॉर्प्शन। अब समझो नॉर्मली क्या होगा दोस्तों कि आपके ब्लड के अंदर नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है, क्या है, नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है, तो यहां से वो ग्लूकोज यहां पर आएगा, ठीक है, प्रोक्सीमल जो कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है यहां पर आया ग्लूकोज, यहां पे आया ग्लूकोज, इस कलर से ग्लूकोज बना देता हूं, ये है ग्लूकोज दोस्तों। ग्लूकोज जो है ना इसको एब्जॉर्ब होने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है दोस्तों, वाटर की जरूरत पड़ती है। ग्लूकोज और वाटर दोनों क्या होते हैं दोस्तों, एक साथ एब्जॉर्ब होते हैं, और बॉडी से ग्लूकोज को बाहर निकालने के लिए भी किसकी जरूरत होती है दोस्तों, वाटर की जरूरत होती है। अब आपका नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है तो ग्लूकोज क्या होगा दोस्तों, रीअब्जॉर्ब होगा, मतलब वापस से हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा ब्लड वेसल्स के थ्रू, मतलब बाहर सीक्रेट नहीं होगा। अब ये ग्लूकोज कहां चला गया, वापस बॉडी के अंदर चला गया, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो इसके साथ में क्या जाएगा दोस्तों, वाटर भी जाएगा, इसके अंदर क्या जाएगा दोस्तों, वाटर भी जाएगा, तो कुछ मात्रा में क्या होगा, वाटर चला जाएगा और जिसकी जरूरत नहीं है वो वाटर बॉडी से क्या हो जाएगा दोस्तों, बाहर हो जाएगा, ये कंडीशन है नॉर्मल। अब एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होगा दोस्तों, भाई ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, अब कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई कितना लेवल बढ़ गया, कितने से ज्यादा जो लेवल है जो किडनी के लिए दिक्कत है, तो किडनी का एक 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 लेवल है दोस्तों, वहां तक तो बॉडी क्या करती है, जो किडनी जो है दोस्तों नेफ्रॉन्स जो है वहां तक तो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेंगी, अगर उससे ज्यादा लेवल बढ़ गया तो फिर जो किडनी है ना वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है ग्लूकोज को, वो उसका हाईएस्ट पीक लेवल हो गया कि भाई मैं इतने ग्लूकोज अगर बॉडी में रहा तो एब्जॉर्ब कर लूंगी, अगर इससे ज्यादा आपने मुझे ग्लूकोज दिया तो दोस्तों मैं उसको क्या नहीं कर पाऊंगी, एब्जॉर्ब नहीं कर पाऊंगी। उस लेवल को हम बोलते हैं रीनल थ्रेशहोल्ड, उसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसे हम रीनल थ्रेशहोल्ड के नाम से जानते हैं, इसे हम रीनल थ्रेशहोल्ड के नाम से जानते हैं कि भाई रीनल थ्रेशहोल्ड का मतलब क्या है, कि वो मैक्सिमम लेवल जहां तक जो किडनी है वो क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है, रीअब्जॉर्ब कर सकती है, उसके ज्यादा लिमिट, मतलब मैक्सिमम लिमिट ऐसे कि भाई ग्लूकोज बढ़ रहा है मैं एब्जॉर्ब कर लूंगी, साथ में वाटर को भी रीअब्जॉर्ब कर लूंगी मैं ग्लूकोज के साथ में, लेकिन इससे ज्यादा लेवल बढ़ गया तो दोस्तों मैं क्या नहीं कर पाऊंगी, एब्जॉर्ब नहीं कर पाऊंगी। उस लेवल को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, रीनल थ्रेशहोल्ड के नाम से जानते हैं, जो कि मैक्सिमम जो लेवल होता है ना दोस्तों वो 180 mg/dl होता है, कितना होता है 180 mg/dl। तो अब जब ग्लूकोज का लेवल 180 mg/dl से क्या होगा दोस्तों, ज्यादा हो जाएगा, 180 mg/dl से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब यहां पर क्या आया दोस्तों, ग्लूकोज आया, अब यहां पर उससे ज्यादा लेवल आया दोस्तों, मान लो 500 है, 300 है,
200 है, 250 है, तो क्या होगा दोस्तों, यहां पर जब ग्लूकोज आएगा ना, तो इस ग्लूकोज को 180 तक तो क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और 180 के साथ में जितना एब्जॉर्ब हो रहा है उसके साथ में जो वाटर है दोस्तों वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन बाकी के जो ग्लूकोज है दोस्तों 180 के बाद में जो वाटर जो ग्लूकोज के साथ आया है, जो सेलुलर डिहाइड्रेशन के कारण ज्यादा वाटर आ गया था दोस्तों, वो वाटर जो है दोस्तों वो क्या होगा, रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये उतने ही वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगी जो कि 180 mg पर डीएल ग्लूकोज तक रहेगा, ठीक है। उसके बाद में मतलब कि जो यहां पर जो फ्लूड आया है दोस्तों, उसकी जो ऑस्मोलरिटी है दोस्तों वो क्या हुई हुई है, बढ़ी हुई है। ऑस्मोलरिटी क्या हुई है दोस्तों, बढ़ी हुई है। अब उससे क्या होगा, 180 के बाद में जो ग्लूकोज है दोस्तों उसको बॉडी को क्या निकालना है, बॉडी से आउट करना है। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट कितना है दोस्तों, 180 है। 180 से ज्यादा ये कह रहा है कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, 180 से ज्यादा को मैं एब्जॉर्ब नहीं कर पाऊंगा, और इसको बॉडी से क्या निकालना है दोस्तों, बाहर निकालना है। और बाहर निकालने के लिए क्या चाहिएगा दोस्तों, वाटर चाहिएगा। बाहर निकालने के लिए क्या चाहिएगा, वाटर चाहिएगा। 180 mg/dL तक तो क्या रहेगा, वाटर रीअब्जॉर्ब होता रहेगा, और उससे ज्यादा जब लेवल हो जाएगा तो ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को भी क्या हो जाएगा दोस्तों, वहां से ब्लॉक हो जाएगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि साथ में ग्लूकोज जब बाहर निकलेगा तो उस ग्लूकोज के साथ में दोस्तों वाटर भी बाहर जाएगा। क्यों, क्योंकि वाटर क्या नहीं हुआ, रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ। ग्लूकोज की ज्यादा लिमिट होने के कारण दोस्तों वाटर क्या नहीं हो पाया, रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाया। तो ये जो ग्लूकोज है उसके साथ में दोस्तों क्या जाएगा, वाटर भी बाहर जाएगा। तो अब इससे दो चीज देखने को मिलेंगी दोस्तों, एक तो देखने को मिलेगा पोलीयूरिया, क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि वाटर एक्सेस अमाउंट के अंदर वाटर बॉडी से किया जा रहा है दोस्तों, बाहर जा रहा है इस ग्लूकोज को बाहर भेजने के लिए। और इस प्रोसेस को हम जानते हैं ओस्मोटिक डायूरेसिस के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, ओस्मोटिक डायूरेसिस के नाम जानते हैं, कि ग्लूकोज के ज्यादा लेवल को बढ़े हुए होने के कारण जो रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है वाटर का और ग्लूकोज का, और जो ग्लूकोज और वाटर बॉडी से बाहर जाते हैं, इस प्रोसेस को हम किस नाम जानते हैं, ओस्मोटिक डायूरेसिस के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, ओस्मोटिक डायूरेसिस के नाम से हम इसे जानते हैं। तो इसके कारण क्या होगा दोस्तों कि जो ग्लूकोज है उसके साथ में वाटर भी बॉडी से क्या होगा दोस्तों, बाहर हो जाएगा, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ओस्मोटिक डायूरेसिस कहलाती है। तो ओस्मोटिक डायूरेसिस के कारण मतलब ज्यादा ग्लूकोज की अमाउंट 180 mg पर डीएल से ज्यादा होने के कारण वाटर का रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाना, और वाटर का बॉडी से क्या होना दोस्तों, बाहर जाना। वाटर का बॉडी से क्या जाना दोस्तों, बाहर जाना। क्या कोज करवाता है दोस्तों, ओस्मोटिक डायूरेसिस कोज करवाता है, जिसके कारण यूरिन का जो सीक्रेशन है, यूरिन का जो फॉर्मेशन है वो बढ़ गया है, और उसके कारण जो सिम्टम देखने को मिलेगा उसे हम किस नाम से जानेंगे, पोलीयूरिया के नाम से जानेंगे। इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, पोलीयूरिया के नाम से जानेंगे। तो ये है रीजन, दिस इज द रीजन बिहाइंड द पोलीयूरिया। लेकिन एक सिम्टम और देखने को मिलेगा दोस्तों, बताओ क्या देखने को मिलेगा, ग्लूकोज यूरिया देखने को मिलेगा, ग्लाइकोज यूरिया देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि 180 तक जो ग्लूकोज था दोस्तों वो ग्लूकोज तो यहां पर एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन बाकी का ग्लूकोज बॉडी से क्या हुआ दोस्तों, बाहर हुआ। तो यहां पर आपके दो सिम्टम खत्म हो जाएंगे। एक जो सिम्टम मैंने आपको बताया दोस्तों वो कौन सा है, पोलीयूरिया है। एक जो सिम्टम मैंने आपको बताया दोस्तों वो कौन सा है, पोलीयूरिया है। और एक जो सिम्टम इसमें होगा वो कौन सा होगा, ग्लूकोज यूरिया होगा दोस्तों। तो ग्लाइकोज यूरिया, ग्लूकोज यूरिया जो है दोस्तों वो भी देखने को मिलेगा। तो इन दोनों का रीजन क्या है, सेम है, कि रीनल थ्रेशोल्ड से ज्यादा लिमिट होने के कारण वाटर का रीअब्सॉर्ब नहीं होना और बॉडी से बाहर निकलना, साथ में ग्लूकोज का बाहर निकलना। दो सिम्टम कोज करवाएगा, एक पोलीयूरिया करवाएगा और एक क्या करवाएगा दोस्तों, ग्लाइकोज यूरिया करवाएगा या ग्लूकोज यूरिया करवाएगा, ठीक है। तो अब आपके कौन कौन से सिम्टम हो गए, ये बोर्ड है ना आज पता नहीं कैसे काम कर रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम कोज कर रहा है, ठीक है ठीक है। तो हमने पढ़ लिया हाइपरग्लाइसेमिया, पढ़ लिया पॉलीडिप्सिया, पढ़ा हमने पॉलीयूरिया, पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं पॉलीफेजिया, बस मेन पॉलीफेजिया ही है, उसके बाद में इतनी ज्यादा थ्योरी है नहीं उसके पीछे। इसके बाद हम पढ़ते हैं दोस्तों पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया पढ़ाता हूं। हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर दोस्तों दो सेंटर पाए जाते हैं। हमारा जो हाइपोथैलेमस जो होता है दोस्तों उसके अंदर कितने सेंटर पाए जाते हैं, दो सेंटर पाए जाते हैं। एक जो होता है इसे हम बोलते हैं सेटाइटी सेंटर, एक जो सेंटर होता है इसे हम किस नाम से जानते हैं, सेटाइटी सेंटर के नाम से जानते हैं। एक जो सेंटर होता है दोस्तों इसे हम हंगर सेंटर या इसे हम फीडिंग सेंटर भी बोलते हैं, हंगर सेंटर या हम इसे किस नाम जानते हैं दोस्तों,
फीडिंग सेंटर के नाम से भी जानते हैं। ये दो हमारे अंदर क्या पाए जाते हैं दोस्तों, सेंटर पाए जाते हैं किसके लिए, हमारी भूख के लिए। हमारी भूख के लिए दो सेंटर पाए जाते हैं, एक सेंटाइटी सेंटर या सेंटर ऑफ फुलनेस भी बोलते हैं इसको हम, सेंटाइटी सेंटर या सेंटर ऑफ फुलनेस भी बोलते हैं, सेंटर ऑफ फुलनेस। और एक जो सेंटर होता है दोस्तों इसे हम हंगर सेंटर या फिर इसे हम फीडिंग सेंटर के नाम से भी जानते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, ये जो सेटाइटी सेंटर या सेंटर ऑफ जो फुलनेस ना दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि ये इसकी जो सेल्स जो होती है ना इसके अंदर ग्लूकोज एंटर करता है दोस्तों। क्या एंटर करता है दोस्तों, ग्लूकोज एंटर करता है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर सुनो कि आपने खाना खाया, आपने क्या लिया दोस्तों, फूड लिया, फूड लिया तो फूड में क्या था दोस्तों, ग्लूकोज था। फूड लिया तो आपको क्या मिल गया, ग्लूकोज मिल गया। और जब ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ेगी तो जो पैनक्रियाज है उसकी जो बीटा सेल्स है दोस्तों वो क्या सीक्रेट करेंगी, इंसुलिन सीक्रेट करेंगी। मैंने कहा था कि सेल के अंदर ग्लूकोज जाने के लिए क्या चाहिए, इंसुलिन चाहिए। यहां भी ये कंसेप्ट काम करेगा। अब दोस्तों नॉर्मल पर्सन की बात कर रहा हूं अभी मैं, फिर मैं आपको एबनॉर्मल पे लेके आऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों जब इंसुलिन है तो ग्लूकोज है, तो ये ग्लूकोज इंसुलिन दोनों अंदर जाएंगे। जब इस सेंटर के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट जो है वो एक लिमिट तक क्या होगी, पहुंच जाएगी, तो ये सेंटर कहेगा कि हाँ भाई इतना ग्लूकोज हो गया, बॉडी को इतनी क्या होती है, जरूरत होती है। ठीक है, उस जरूरत के बाद ये क्या काम करेगा दोस्तों, इस हंगर सेंटर को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। इस हंगर सेंटर को क्या करेगा दोस्तों, इनहिबिट करेगा कि भाई बस अब आपको क्या नहीं लगनी चाहिए, भूख नहीं लगनी चाहिए। तो ये हंगर सेंटर क्या हो जाएगा दोस्तों, इनहिबिट होगा तो कोई भी भूख नहीं लगेगी, नो हंगर। कोई भी क्या नहीं लगेगी दोस्तों, भूख नहीं लगेगी, नो हंगर। अब जैसे ही मान लो कि किसी भी आप खाना नहीं खाया आपने, दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाओगे तो ग्लूकोज की अमाउंट क्या होगी दोस्तों, कम होगी। ग्लूकोज की अमाउंट जो दोस्तों कम होगी तो यहां पर कम अमाउंट में ग्लूकोज जाएगा, तो ये स्टिमुलेट करेगा किसको, हंगर सेंटर को। हंगर सेंटर और फीडिंग सेंटर क्या होगा, स्टिमुलेट होगा, और स्टिमुलेट होकर हमें क्या लगने लग जाएगी दोस्तों, भूख लगने लग जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें भूख लगती है। फिर जैसे आप खाना खाओगे, खाना खाने पर ग्लूकोज मिलेगा, ग्लूकोज के साथ इधर इंसुलिन मिलेगा, ये अंदर एंटर करेगा, ये कहेगा हाँ भाई ग्लूकोज आ गया है तो अब रुक जा, बस अब और भूख मत लग। तो हंगर सेंटर फीडिंग सेंटर के द्वारा हमें भूख नहीं लगेगी। इस प्रकार से कंसेप्ट क्या करता है, काम करता है। लेकिन डायबिटीज मेलेटस में क्या होगा दोस्तों, देखो डायबिटीज मेलेटस में कंसेप्ट बिगड़ जाता है। कैसे, आपके पास आपने खाना खाया, आपके पास ग्लूकोज है, आपके पास क्या है दोस्तों, ग्लूकोज है। चलो मैं इधर बताता हूं, नेक्स्ट स्लाइड करके बताता हूं। ये सेटाइटी सेंटर है आपका, ये हंगर सेंटर है आपका या फीडिंग सेंटर। अब आपके पास दोस्तों ग्लूकोज है, लेकिन आपके पास क्या नहीं है, इंसुलिन नहीं है। अब ग्लूकोज है इंसुलिन नहीं है तो क्या ग्लूकोज इस सेंटर के अंदर, इसकी जो सेल्स है दोस्तों इसके अंदर एंटर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, ग्लूकोज को अंदर जाने के लिए क्या चाहिए, सेल के अंदर इंसुलिन चाहिए। अब ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ भी गई है लेकिन दोस्तों यहां पर क्या होगा, ग्लूकोज पहुंचेगा ही नहीं, तो इसको क्या लगेगा दोस्तों कि ग्लूकोज की अमाउंट बॉडी के अंदर क्या हो गई है, कम हो गई है। इसलिए ये स्टिमुलेट करेगा, क्या करेगा दोस्तों, स्टिमुलेट करेगा किसको, हंगर सेंटर को। और हंगर सेंटर जब स्टिमुलेट होगा तो हमें क्या लगेगी दोस्तों, भूख लगेगी। हमें क्या लगेगी, भूख लगेगी, हंगर, भूख लगेगी। और हमें भूख लगेगी तो हम क्या खाएंगे, खाना खाएंगे। अब आप खाना खाते रहोगे, खाना खाते रहोगे लेकिन आपकी भूख खत्म नहीं होती है। वो उसका रीजन क्या है, क्यों आप ज्यादा खाओगे दोस्तों खाना, क्यों खत्म क्यों नहीं होती है, क्यों, क्योंकि यहां पर ग्लूकोज तो है, क्या नहीं है दोस्तों, इंसुलिन नहीं है। क्या नहीं है, इंसुलिन नहीं है। अब वही पर्सन, डायबिटिक पर्सन, अगर मान लो इंसुलिन ले लिया उसने, ठीक है, टाइप फर्स्ट वाला है, उसने क्या लिया, इंसुलिन लिया, टाइप सेकंड वाले ने इंसुलिन को एक्टिव करवा दिया, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, वापस चला जाएगा और उस व्यक्ति को फिर भूख लगने लग जाएगी। क्यों, ग्लूकोज एंटर करेगा, इंसुलिन में एंटर करेगा, इससे क्या होगा दोस्तों, इसको रोक देगा कि भाई बस अब भूख मत लग। लेकिन अगर वो इंसुलिन नहीं ले रहा है वो, ठीक है, डायबिटीज पेशेंट है मान लो, और वो इंसुलिन नहीं ले रहा है, ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज बढ़ेगा, इंसुलिन नहीं होगा, ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा, स्टिमुलेट करेगा, हंगर सेंटर स्टिमुलेट होगा, व्यक्ति को क्या लगेगी, भूख लगेगी, भूख लगेगी तो खाना खाएगा, लेकिन खाना खाने के बाद भी उसे क्या नहीं होगा दोस्तों, फुलनेस फील नहीं होगी। उसे क्या फील नहीं होगी, फुलनेस फील नहीं होगी। उसका सेटाइटी सेंटर है ना, उसको फुलनेस फील नहीं करवाएगा। ठीक है, सेटाइटी का मतलब ये होता है फुलनेस, सेटाइटी जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, फुलनेस ही है। उसके कारण उस पेशेंट को क्या लगती है दोस्तों, हंगर लगती है, और इस हंगर को ही क्या कहते हैं, पॉलीफेजिया के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, पॉलीफेजिया के नाम से जानते हैं। तो आई होप कि मुझे आपको जो ये चीज समझाई है समझ में आ गई होगी। एक लाइन में बस इतना समझो कि सेटाइटी सेंटर जो है ना वो क्या होता है दोस्तों, उसके अंदर ग्लूकोज नहीं जा पाता है इंसुलिन की कमी के कारण, इससे वो किसको, हंगर सेंटर को स्टिमुलेट कर देता है। बस सिंपल सी भाषा में। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अब ज्यादा बड़े नहीं है बस, ठीक है, ये भी हो गया, तीन ही ये ज्यादा इंपोर्टेंट है, चार ही।
इसके बाद दोस्तों डिलेड इन वुंड हीलिंग। देखो एक तो क्या है दोस्तों कि प्रोटीन की सॉरी ग्लूकोज की ज्यादा जो अमाउंट होती है ना ब्लड के अंदर वो बैक्टीरियाज के लिए क्या होती है, बैक्टीरियाज के लिए एक अच्छा मीडिया प्रोवाइड करती है। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या होती है दोस्तों, ज्यादा होती है। तो कोई भी वुंड बन गया तो बैक्टीरियाज वहां पर क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। दूसरा वुंड की हीलिंग के लिए क्या चाहिए दोस्तों, प्रोटीन चाहिए। और मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था कि ये प्रोटीन का एनाबोलिज्म करवाता है, कौन इंसुलिन। लेकिन इंसुलिन की कमी होगी तो प्रोटीन नहीं रहेगी, ठीक है। और प्रोटीन नहीं है दोस्तों, कोलेजन फाइबर से नहीं है, तो कोई भी वुंड को हील करने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कोलेजन फाइबर से ही वो नहीं है। तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों, डिलेड इन क्या होगी, वुंड हीलिंग। सेम काम इन्फेक्शन पे भी काम करेगा कि ग्लूकोज की दोस्तों क्या हो गई, अमाउंट ज्यादा हो गई, ठीक है, बैक्टीरियाज को ज्यादा प्रोवोक करेगा। इसके अलावा ग्लूकोज की ज्यादा अमाउंट होने के अलावा जो प्रोटीन है उसकी कमी है बॉडी के अंदर, ठीक है, प्रोटीन की बॉडी के अंदर क्या हो रही है दोस्तों, कमी हो रही है। तो ये सब चीजें क्या करेंगे दोस्तों, इन्फेक्शन को क्या करेंगे दोस्तों, कॉज करेंगे, बॉडी को वीकनेस प्रोवाइड होने के कारण इन्फेक्शन के जो चांसेस है दोस्तों वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ग्लाइकोजूरिया है इसका क्या रीजन है, ऑस्मोटिक डायूरेसिस, कि रीनल थ्रेशोल्ड से ज्यादा अगर ग्लूकोज हो गया तो दोस्तों ये क्या कॉज करेगा, ग्लाइकोजूरिया कॉज करेगा। ब्लड विजन ऐसे कहते हैं कि इफेक्टिव जो ज्यादा मात्रा के अंदर जो दोस्तों ग्लूकोज है ना, ज्यादा ग्लूकोज है वो रेटिना को इफेक्ट करता है, किसको इफेक्ट करता है, रेटिना को। इसके अलावा ग्लूकोज का बढ़ा हुआ जो लेवल है, जो नर्व जो होती है ना, जो दोस्तों ऑप्टिक जो नर्व होती है उसको भी क्या करता है दोस्तों, स्टिमुलेट करता है। तो उसके कारण पर्सन को क्या हो सकता है, ब्लड विजन भी हो सकता है, ठीक है, उस कारण पर्सन को क्या हो सकता है दोस्तों, ब्लड विजन भी हो सकता है। इसके कारण दो सिम्टम आते हैं हमारी बॉडी के अंदर नर्व के इन्वॉल्वमेंट होने के कारण। अभी हम कॉम्प्लिकेशंस नहीं पढ़ रहे हैं, आप मत बताना जैसे रेटिनोपैथी हो जाए, मुझे पता है वो हम बाद में बात करेंगे, सिर्फ हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे आते हैं। तो थोड़ा बहुत ब्लड विजन होने का कारण क्या है, रेटिना का और नर्व का इन्वॉल्वमेंट होना। और पैरेस्थीसिया का रीजन भी क्या है भाई, पैरेस्थीसिया मतलब नंबनेस एंड टिंगलिंग होना, ठीक है, फील नहीं होगा कोई भी चीज चुभोगे ऐसे फील नहीं होना, वो नंबनेस कहलाती है। या फिर सुई सी सुबह अंदर खुद के शरीर के अंदर तो उसे टिंगलिंग बोलते हैं, इसे हम किस नाम जानते हैं, पैरेस्थीसिया के नाम से जानते हैं नंबनेस को। तो पैरेस्थीसिया का भी कारण क्या होता है दोस्तों, नर्व का इन्वॉल्वमेंट होना। डायबिटीज मेलाइटस में ज्यादा ग्लूकोज जो होता है ना वो नर्व को क्या करती है दोस्तों, अफेक्ट करती है। और नर्व के ज्यादा इफेक्ट होने के कारण पेशेंट को क्या होता है दोस्तों, पैरेस्थीसिया होता है। इसके बाद वीकनेस, वीकनेस के कई सारे रीजन है दोस्तों। एक तो देखो ग्लूकोज, भाई ग्लूकोज बॉडी के अंदर है लेकिन ये क्या नहीं हो रहा, यूटिलाइज नहीं हो रहा। और हम एनर्जी के रूप में किसका यूज करते हैं, ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं होगा दोस्तों तो हमें एनर्जी कौन देगा, हमारी बॉडी में क्या आएगी, वीकनेस आएगी। दूसरा दोस्तों प्रोटीन का ब्रेकडाउन, अगर आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है दोस्तों उसी का क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, तो वो हमारी बॉडी को क्या करेगा दोस्तों, वीकनेस कॉज करवाएगा। इसके अलावा दोस्तों लाइपोलाइसिस, हम जानते हैं कि जो इंसुलिन है वो लाइपोजेनेसिस करवाता है, लिपिड का फॉर्मेशन बढ़ाता है। लेकिन अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो लिपिड का क्या होगा दोस्तों, ब्रेकडाउन होगा, तो उससे लाइपोलाइसिस होगा। तो ये तीनों चीजें क्या कोच करवा सकती है दोस्तों, वीकनेस कोच करवा सकती है। ये तीनों चीजें क्या कोच करवा सकती है दोस्तों, वीकनेस कोच करवा सकती है, तीनों चीजें वीकनेस कोच करवा सकती है। तो इसके कारण भी, इस भी कारण भी पेशेंट को क्या हो सकता है, वीकनेस हो सकती है। तो ये सारे इसके क्या हो गए, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गए। एक बार में एक मिनट के अंदर अंदर सबके रीजन बताऊंगा आपको, और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। हाइपरग्लाइसीमिया का अगर आपसे कोई रीजन पूछे, हाइपरग्लाइसीमिया का कोई एक लाइन में रीजन पूछे, क्या बताओगे कि भाई इंसुलिन का लेवल क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है, इंसुलिन का रेसिस्टेंस हो गया, उसके कारण हो गया है। कोई पूछे पॉलीडिप्सिया का रीजन क्या बताओगे दोस्तों, सेलुलर डिहाइड्रेशन, क्या बताओगे, सेलुलर डिहाइड्रेशन होता है। पॉलीयूरिया का कोई एक लाइन में आपसे पूछेगा, क्या बताओगे, ऑस्मोटिक डायूरेसिस, क्या बताओगे, ऑस्मोटिक डायूरेसिस होना, ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज है तो बॉडी को बाहर निकालने के लिए उसको वाटर भी साथ जाएगा, ठीक है। पॉलीफेजिया का रीजन क्या बताओगे कि भाई इंसुलिन की कमी होती है, जिससे सैटिएटी जो सेंटर होता है दोस्तों उसको ग्लूकोज नहीं मिल पाता है, तो वो इनहिबिट नहीं करता है किसको, आपके फीडिंग सेंटर को, ठीक है, या हंगर सेंटर को स्टिमुलेट नहीं करता है। इसके बाद डिलेड इन वुंड हीलिंग, उसका कई सारे रीजन मैंने बता दिया कि भाई बैक्टीरिया उसको अच्छा मीडिया प्रोवाइड करवाता है, इसके अलावा जो प्रोटीन है उसका भी क्या हो जाता है। तो इन दोनों रीजन इन्फेक्शन के लिए क्या है, सेम इन्फेक्शन का चांसेस होना या डिलेड इन वुंड हीलिंग का होना। ग्लूकोजूरिया बता दिया, रीनल थ्रेशोल्ड से ज्यादा जो ग्लूकोज है वो बॉडी से बाहर निकलेगा, जब बाहर निकलेगा तो ग्लूकोजूरिया करवाएगा। इसके बाद है दोस्तों ब्लड विजन, ब्लड विजन जब होता है तो उसमें नर्व की और रेटिना की क्या होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है। और पैरेस्थीसिया में भी दोस्तों सेम रीजन होता है। और इसके बाद आती है नेक्स्ट आपके दोस्तों वीकनेस। तो वीकनेस के तीन रीजन है, ग्लूकोज का बढ़ना, तो बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाती है लेकिन उस ग्लूकोज को इंसुलिन की कमी के कारण, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होना और लिपिड का ब्रेकडाउन होना, ये सब चीजें क्या कोच करवा सकती है, वीकनेस कोच करवाती है। तो हमने काफी सारी चीजें हमने पढ़ ली है, डायबिटीज मेलाइटिस के बाद इंट्रोडक्शन पढ़ा है हमने, थोड़ा सा पैनक्रियाज के बारे में जाना हमने, इसका जो क्लासिफिकेशन उसके बारे में जाना हमने, इसके बाद टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड के अंदर जो डिफरेंसेस है उनके बारे में पढ़ा, इसके बाद में हमने जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है उनके बारे में पढ़ लिया है। अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब हम डायग्नोस्टिक जो इवैल्यूएशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में अगली जो क्लास है उसमें आपको मेडिकल मैनेजमेंट, ओरल हाइपोग्लाइसिमिक एजेंट और इंसुलिन जो थेरेपी है उसके बारे में पढ़ाऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहें दोस्तों और मेरा साथ देते रहें आप,
कि हम इन टॉपिकों को क्या करें, आगे कंटिन्यू करें। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं चाहूँ तो एक घंटे में आपको पूरा डायबिटीज मेलिटस पढ़ा दूँ, लेकिन जब कितना आप कितनी इन्फॉर्मेशन ले पाओगे, कितनी चीज समझ पाओगे? अगर आप एक घंटे में अच्छे से पढ़ो तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन समझने में आते हैं हमारे कि भाई ये हो क्यों रहे हैं। अब अगर आपको रटना ही है तो फिर आप बुक खोल लो, क्यों? क्योंकि बुक के अंदर तो सारी चीजें इतनी डिटेल में कहीं मिलेगा नहीं आपको किसी भी बुक के अंदर, तो आप वो बुक से भी पढ़ते हो, लेकिन एक टीचर से पढ़ रहे हो तो आपको हर चीज़ क्या चाहिए दोस्तों समझ में आनी चाहिए। तो हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।